कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धूम्रपान महंगा पड़ता है धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धूम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे शक्ति फिल्म के बारे में तो शक्ति 2002 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें करिश्मा कपूर नाना पाटेकर और संजय कपूर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जबकि शाहरुख खान दीप्ति नवल ऋतु शिवपुरी और प्रकाश राज की सहायक भूमिका निभाती नजर आ रही हैं ईश्वर्या राय एक आइटम नंबर में दिखाई देती हैं फिल्म तब सेवानिवृत्ति अभिनेत्री श्रीदेवी यानी कि संजय कपूर की भाभी द्वारा बनाई गई थी और यह उनकी वापसी फिल्म मानी जाती है लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थी, थी तो उन्होंने शुरुआत में को अपनी भूमिका की, की लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया, तो करिश्मा कपूर तो के के हैं कमल पांडे और इस फिल्म के अभिनेता हैं करिश्मा कपूर नाना पाटेकर संजीव कपूर शाहरुख खान हैं और इस फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने और यह मूवी बीस सितम्बर दो दो को भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं शेखर यानी कि संजय कपूर और नंदरी यानी कि करिश्मा कपूर कनाडा में रहने वाले एक भारतीय जोड़े हैं वो अपने छोटे बेटी राजा के साथ रहते हैं जहां शेखर भारत में हिंसा की खबर सुनता है और अपने परिवार के घर जाता है जो कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में है नंदनी यह देखकर चौंक जाती है कि शेखर का परिवार गहराई से पितृसत्तात्मक है और शेखर के पिता नरसिम्हा नाना पाटेकर की अगुवाई में सम्मति गिरोह युद्धों में उलझा हुआ है शेखर इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो मारा जाता है नंदनी जो अचानक एक विधवा बन जाती है और अपने बेटे के साथ भारत छोड़ने का फैसला करती है लेकिन नरसिम्हा इस बात की अनुमति नहीं देता कि उन्हें वास्तव में कैद करता है और भागने के लिए वेताब शिखर की माँ और बहन ही उसके सहयोगी हैं नंदिनी जय सिंह यानी कि शाहरुख खान से मदद मांगती है जो हिचकिचाहट के बाद जयपुर को ट्रेन में उसे बिठा देता है जय नरसिम्हा के आदमियों के साथ लड़ाई में संलग्न होता है और सफलतापूर्वक नंदिनी और राजा की रक्षा करता है लेकिन वो मर जाता है शेखर की माँ भावात्मक रूप से नरसिम्हा से नंदिनी और उसके बेटे को जाने देने की मांग करती है लेकिन वो नहीं मानता हवाई अड्डे पर नरसिम्हा अपने पोते से बातचीत करने के बाद भवाना से अभिभूत हो जाता है और नंदिनी और राजा को शांतिपूर्वक छोड़कर कनाडा वापस जाने की अनुमति देता है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो करिश्मा कपूर नंदिनी जी के रोल में हैं नाना पाटेकर नरसिंहभा नंदनी के ससुर के रूप में हैं और संजय कपूर शेखर के रूप में हैं शाहरुख खान जयसिंह के रूप में हैं और दीप्ति नवलशेखर की मां के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं विजय राज वीजा के रूप में हैं टीकू तलसानिया नंदिनी के रूप में है जसपाल भट्टी नंदिनी के रूप में है दिव्या दत्ता हैं चंद्रकांत गोखले हैं प्रकाश राज हैं रितु शिवपुरी और कमली शेखर की बहन है अनुपम श्याम हैं ईश्वर्या राय है। इश्क कमीना में हैं। इस फिल्म में कुल दस गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक ए चांद मेरे दिल के इसको गाया है इस्माइल दरबार और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने नंबर दो दिल ने पुकारा है इसको इस्माइल दरबार और अलका याग्निक और अदनान शामी जी ने गाया है नंबर तीन बाजी इसको इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है नंबर चार हम तुम महबूब से मिले इसको गाया है कविता कृष्ण मूर्ति ने नंबर पाँच हम तुम मिले इसको इस्माइल दरबार और अदनान शामी ने गाया है नंबर छः इश्क कमीना इसको समीर और अनुमलिक और अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है नंबर सात झूमती घटा में इसको इसको गाया है नवीन कुमार ने नंबर इस्माइल दरबार और मोहम्मद सलामत ने गाया है नंबर नौ मेरे मुन्ने राजा इस्माइल दरबार और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है शक्ति फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण वापसी जी ने तो कृष्ण वामसी जी भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और कोरियोग्राफर हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वामसी ने अपना करियर राम गोपाल वर्मा की सहायक निर्देशक के रूप में शुरू किया था उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस की अवराध फिल्म गुलाबी से की जिसमें जे चक्रवर्ती ने अभिनय किया था उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन फिल्म फिल्म पुरस्कार और चार नंदी पुरस्कार मिले थे इनका जन्म पशुपुलेटी बंगराजू का हुआ था 28 जुलाई उन्नीस को आंध्र प्रदेश भारत में इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता और पठक कथा लेखक और कोरियोग्राफर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक उन्नीस फिल्म तेलुगु फिल्मों में, से एक थी। बाद में उन्होंने तहत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आबराध फिल्म सिंधुरम का निर्देशन किया जो दोनों फिल्मों में तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और दो दो में उन्होंने शक्ति द पावर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा जो उनके अपने उन्नीस के तेलुगु पंथ क्लासिक पुरम की रीमेक थी उन्होंने कृष्ण वामसी ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन से शादी की है राम्या कृष्णन ने अपनी दो फिल्मों में अभिनय किया शादी से पहले श्री अंजनयम अतिथि भूमिका में थी और चंद्रलेखा कृष्ण वामसी की सीताराम शास्त्री का प्रशंसक माना जाता है और उन्हें जिन फिल्मों के लिए सीताराम शास्त्री ने गीत लिखे जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित हैं जिसमें से नीले पेला दत्था गुलाबी सिंधुराम चंद्रलेखा मुरारी खडगम चक्रम महात्मा और पैसा शामिल है श्रीलवेला सीताराम शास्त्री ने कृष्ण वामसी को कानूनी रूप से भारत सरकार के राजपथ के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक हिंदू पद्धति से अपनाया था शक्ति फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के हाथों हुआ था तो इनका जन्म तेरह अगस्त उन्नीस को 24 फरवरी 2018 हज़ार अठारह जिन्हें पेशेवर रूप से उनके मंच नाम श्रीदेवी के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम और कन्नड़ की भाषाओं में फिल्मों में काम किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपर स्टार के रूप में उद्धत हुई थी वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 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 नंदी तमिलनाडु राज्य विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता थी केरल राज्य फिल्म पुरस्कार चार फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का करियर पचास साल से अधिक समय तक इसलैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में फैला रहा था वो अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी लेकिन स्क्रीन पर हटी और मुखर व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिकृत महिलाओं की भूमिका निभा रही थी उन्होंने 2013 में श्रीदेवी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें में सौ साल में भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में भी चुना जा चुका है सी एन एन आई वी एन राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो हजार तेरह में भारतीय सिनेमा की के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था इनका जन्म अम्मा यंगर अपन तेरह अगस्त उन्नीस सौ तिरसठ को मीनमपट्टी मद्रास राज्य भारत में हुआ था इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को चौवन वर्ष की उम्र में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो गई थी इनका व्यवसाय अभिनेत्री थी इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से और 2018 तक इनके पति का नाम है बोनी कपूर इनकी संतान दो जानवी कपूर और श्रीदेवी ने चार साल की उम्र में उन्नीस की तमिल फिल्म कंदन करुणई में एक बच्ची के रूप में अपनी शुरुआत की और एम ए थिरुमुगम की उन्नीस की पौराणिक तमिल रोल को निभाया था वो अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक किशोर बेंगवक्स के रूप में अपनी पहली भूमिका उन्नीस में तेरह साल की उम्र में आई जब उन्हें तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में कौष्ट किया गया था उन्होंने जल्दी ही खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है और सोला वाथिनाइल में भूमिकाओं के साथ 1977 में थुलावर्सम उन्नीस और अंगीकारम 1977 और सिगप्पू रोजकल 1978 और पहाड़ हेरेला वायसू उन्नीस और बेतागाड़ू उन्नीस और वारुमाइन और वारुमायरम शिवपुम उन्नीस और मीनुम कोकिला उन्नीस और प्रेमा विषेकम प्रेमाभि और में मायम उन्नीस और बयासी राम पिराई उन्नीस आखिरी पोराथम उन्नीस सौ अट्ठासी जगदेका बिरदु आतीलोक सुंदरी उन्नीस और छड़ छड़म उन्नीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अब अभिनित भूमिका ड्रामा फिल्म सोलमा सावन उन्नीस के साथ आई और उन्हें एक्शन फिल्म हिम्मतवाला उन्नीस के लिए व्यापक पहचान मिली थी उन्होंने मावली उन्नीस जस्टिस चौधरी उन्नीस तोहफा उन्नीस और नया कदम उन्नीस मकसूद उन्नीस मास्टर जी उन्नीस सौ कर्मा उन्नीस सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग ने खुद को स्थापित किया था नजराना उन्नीस वतन के रखवाली उन्नीस मिस्टर इंडिया उन्नीस वक्त की आवाज़ उन्नीस और चांदनी उन्नीस सदमा उन्नीस नगीना उन्नीस चालवास उन्नीस लम्हे उन्नीस में खुदा गवाह उन्नीस में गोमरा उन्नीस में लाडला उन्नीस में और जुदाई उन्नीस सौ सहित फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उच्च प्रशंसाएं मिली हैं और उन्नीस में टेलीविजन सिटका मालिनी अय्यर 2004 और 5 में टाइटेनिक नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश दो हज़ार के साथ फिल्म में अभिनय की वापसी की और वैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी अपनी तीन सौ ही और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया था मां 2017 उन्होंने दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं अर्जित की हैं और बाद के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चौबीस फरवरी दो को वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जुमेराह अमीराज टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी जिनसे उनके अभिनेत्री जानवी कपूर सहित दो बच्चे हुए हैं शक्ति फिल्म में संजी कपूर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो वह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वह हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब श्रृंखला में काम करते हैं वे सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं और कपूर संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं इनका जन्म सत्रह अक्टूबर 1965 को बाम्बे महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इनकी पत्नी का नाम है महीप संधू और इनके दो संदाने हैं तो कपूर जी का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर से हुआ था उनके तीन बड़े भाई बहन बोनी कपूर अनिल कपूर और रीना मारवा हैं अभिनेता सोनम कपूर अर्जुन कपूर जानवी कपूर मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर उनके भतीजे और भतीजी हैं पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से पचानवे से तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की हालांकि उन्होंने नवोदित कलाकारों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म में उनके कई वर्षों की देरी हुई क्योंकि यह उन्नीस में निर्माण में थी रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर लिया था और कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा उन्नीस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उन्होंने औजार उन्नीस में मोहम्मद उन्नीस में और सिर्फ तुम उन्नीस जैसी मुख्य अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है मामूली सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा 2000 की मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं 2002 में वो कोई मेरे दिल में पूछे में ईसा देवल के मानसिक पति की भूमिका निभाने वाले खलनायक के रूप में दिखाई दिए थे उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसाएं की उन्होंने कयामत सिटी अंडर थ्रेट 2003 और जूली 2004 में लक बॉय चांस 2009 और शानदार 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू की थी उन्होंने 2015 में रिलीज होने वाले अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनित अपने पहले प्रोडक्शन तेवर के तहत फिल्म निर्माण की और रुख किया उन्होंने मुबारका 2017 में पहली बार अपने भाई अनिल कपूर के साथ एक कैमियो की भूमिका निभाई थी उन्होंने 2018 की शुरुआत में संजय कपूर को एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में अभिनेत्री मनीषा कोयराला के साथ मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था उसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर ने उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनू कपूर ने ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण में कास्ट किया था और 2020 में वो अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्पीलिंग पार्टनर में नजर आई थी उन्होंने 2003 में टेलीविजन धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डिस्टिनरी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और 2017 में उन्हें विक्रम भट्ट के टेलीविजन धारावाहिक दिल संभल जा में स्मृति कलारा के साथ कॉस्ट किया गया था और यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और वह कैसे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं यहां तक कि उन्होंने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज सोगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका निभाई थी उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में दिया गया था और 2020 में वो राजीव गुजराल के रूप में द गन गेम में दिखाई दिए थे वो फिर 2021 में द लास्ट लावर में डीसीपी आरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए और 2002 में माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स वेब शो द फेम गेम में निखिल मोरे के रूप में दिखाई दिए थे उन्होंने उन्नीस में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप संधु से शादी की है और इस जोड़े के दो बच्चे हैं सयाना और जहान कपूर उनकी बेटी सयाना शशांक खेतान द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार शक्ति फिल्म में करिश्मा कपूर जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वो प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं इनका जन्म पच्चीस जून उन्नीस को मुंबई में हुआ था इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्धि और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है इनका जन्म करिश्मा कपूर जी का जन्म पच्चीस जून उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेत्री है। हैं इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत उन्नीस सौ इक्यानवे से दो हजार तीन और दो हजार आठ से वर्तमान तक है। धार्मिक मान्यताएं हिंदू और जीवन संगनी संजय कपूर करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर ख़ानदान से संबंधित रखती हैं और हम उन्हें लोलो के नाम से भी जानते हैं उन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष उन्नीस में, में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं लाजवाब अभिनय और वेहतर नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं और अपने फिल्मी करियर के दौरान करिश्मा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और चार फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किए हैं इन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार राजा हिंदुस्तानी के लिए प्राप्त किया और उन्नीस सौ अट्ठानबे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्रताप किया था उन्नीस में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्राप्त किया और 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए प्राप्त किया था और 2002 में फिल्म फेयर आलोचकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जुबैदा प्राप्त किया था शक्ति फिल्म में नाना पाटेकर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएँ की हैं तो इनका नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 1 जनवरी 1951 को हिंदी फिल्म एवं मराठी फिल्मों के एक अभिनेता हैं इनका जन्म विश्वनाथ पाटेकर मुरुज जंजीरा बांबे राज्य भारत में हुआ था इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनकी राष्ट्रीयता भारती है इनका व्यवसायी अभिनेता और लेखक हैं इनकी जीवन संगनी हैं नीलकान्ति पाटेकर और इनके बच्चे हैं मल्लार पाटेकर और इनके माता पिता दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर हैं इन्हें पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से दो में तो नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं और वह लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिनय की सफल कायल और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है वह इंडस्ट्री ऑफ डायलॉग के बोलने की स्टाइल को लेकर काफ़ी मशहूर हैं उनके आवेनिक की दीवाने आपको हर आयु और वर्ग के लोग मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जन्म मुरुंडू जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माँ का नाम संजनाबाई पाटेकर है इन्होंने अपने स्कूली शिक्षा नाना की पढ़ाई सर्जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से की थी नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है और आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की हुई थी लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया था जिसमें उनके खलनायक की भूमिका अदा की गई थी इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय का लोहा मनवाया है क्रांतिवीर खामोशी यशवंत अब तक छप्पन अपर वेलकम राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है शक्ति फिल्म में शाहरुख खान ने अपने रोल को सहायक की भूमिकाओं के लिए निभाया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो उन्होंने अपना रोल करिश्मा कपूर के साथ निभाया है इनका जन्म 2 नवंबर 1965 जिन्हें अक्सर शाहरुख खान के रूप में श्रेय दिया जाता है और अनौपचारिक रूप से एसआर के नाम से विसंदर्भित किया जाता है वे एक भारतीय फिल्म अभिनेता और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीवुड का बादशाह और किंग कोबरा खान रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड नामों से भी पुकारा जाता है शाहरुख खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर जैसी जेसी में बहत्तर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्होंने तीस नामांकनों से चौदह फेयर पुरस्कार जीते हैं वह और दिलीप कुमार की ही एक ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आठ बार जीता है और 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया था और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनका व्यवसाय अभिनेता निर्माता टेलीविजन मेजबान है इनका कार्यकाल उन्नीस सौ अब तक और जीवन संघनी है गौरी खान इनके तीन बच्चे हैं तो अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में वो कई टेलीविजन धारावाहिकों की से और उन्नीस में व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार प्रदान किया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्म फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की हैं जिसमें डर उन्नीस बाजीगर तिरानवे उन्नीस और अंजाम उन्नीस शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखाई दिए हो भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिनमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में वे ऐतिहासिक ड्रामा सामी अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में कई टेलीविजन धारावाहिकों से की है और उन्नीस सौ बानवे में व्यवसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर और अभिनय पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की है जिसमें डर उन्नीस सौ तिरानवे बाजीगर उन्नीस सौ तिरानवे और अंजाम उन्नीस सौ चौरानवे शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे व भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिसमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में व ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में शामिल हैं वेल्थ रिसर्च फार्म वेल्थ एक्स के मुताबिक किंग खॉन सबसे अमीर भारतीय अभिनेता बन गए हैं फर्म ने अभिनेता की कुल संपत्ति छत्तीस सौ साठ करोड़ रुपये आंकी थी लेकिन अब पाँच हज़ार करोड़ बताई जा रही है तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में शहरुख खान के माता पिता पठान मूल के थे उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी माँ लतीफ फातमा मेजर जनरल शहनवाज खान की पुत्री थी खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे हालांकि उनकी मां रावलपिंडी में आई थी खान की एक बहन भी है जिसका नाम सहनवाज लाला रुख है जिन्हें प्यार से लाला रुख बुलाते हैं और खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई दी दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से की जहां वो क्रीड़ा क्षेत्र शैक्षिक जीवन और नाटक की कला में निपुण थी स्कूल की तरफ से उन्हें स्कोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था जो प्रत्येक वर्ष सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी एवं खिलाड़ी को दिया जाता था इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री एवं जामिया इस्लामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मॉस कम्युनिकेशन केसन की मास्टर डिग्री हासिल की है अपने माता पिता के देहांत के उपरांत खान ने उन्नीस में दिल्ली से मुंबई आ गए थे और उन्नीस में उनका विवाह गौरी खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था उनकी तीन संतानें हैं एक पुत्र आर्यन और दूसरा सुहाना और तीसरा पुत्र अब्राहम है शाहरुख खान ने अपने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देश वैरी जान से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में ली थी वर्ष 2007 में जान ने अपने पुराने शिष्य के बारे में कहा है कि शाहरुख के करियर की असाधारण सफलता का सारा श्रेय उसको ही जाता है शाहरुख खान ने अपना करियर 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से प्रारंभ किया जिसमें से उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार अदा किया था उसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अपने अभिनय किया था जिसमें प्रमुख था उन्नीस से लेकर उन्नीस का सर्कस जिसमें सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया था जो अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित उस वर्ष की अथुरंती राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फ़िल्म इन बिच एनी गिल्ड्स इन दोज वंश में एक छोटा किरदार निभाया था ये फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी और अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्नीस में शहरुख खान ने नई दिल्ली से मुंबई आ गए और बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवाना फिल्म से हुआ जो बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित हुआ था और इस फिल्म के लिए उन्हें फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड मिला था उनकी अगली फिल्म थी दिल आशियाना जो नहीं चली और उन्नीस की हिट फिल्म बाजीगर में एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और उस वर्ष फिल्म डर में इसके जुनून में पागल आशिक का किरदार अदा करने के लिए उन्हें सराहा गया था इस वर्ष फिल्म में कभी हाँ कभी ना के लिए उन्हें फेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्नीस में खान ने फिल्म अंजाम में एक बार फिर जुनूनी एवं मानोरोगी आस्की की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया था उन्नीस में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई थी ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती थी मुंबई के कुछ सिनेमाई घरों में यह बारह सालों से चली आ रही है इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिल फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है और उन्नीस उनके लिए एक निराशजनक साल रहा क्योंकि उसमें उनकी सारी फिल्में असफल रहीं और उन्नीस में उन्होंने यशराज चोपड़ा की दिल तो पागल है सुभाष घाई की पर्दे और अजीज मिर्जा की एस बॉस जैसी फिल्मों के साथ सफलताएं क्षेत्र में फिर कदम रखा है वर्ष उन्नीस के कारण जौहर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हिट घोषित हुई थी और खान की चौथी बार फिल्म फेयर सबसे अभिनेता का पुरस्कार हासिल हुआ था इसी साल उन्हें मणिरत्नम की फिल्म दिल से अपने अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों से काफ़ी तारीफ मिली और ये फिल्म भारत के बाहर काफ़ी सफल रही थी अगला वर्ष उनके लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एकमात्र फिल्म बादशाह का प्रदर्शन स्मरणीय नहीं रहा और वो औसत व्यापार ही कर पाई थी सन 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में उनके किरदार को समीक्षकों से बहुत प्रशंसाएं मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मफेयर समीक्षा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था उसी साल उनकी फिल्म जोश भी हिट हुई थी उस वर्ष खान ने जूही चावला और अजीज मिर्ज़ा के साथ फिर मिलकर खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ने अभिनय किया बॉक्स ऑफिस पर जादू बिखेरने में असमर्थ रही कमल हसन की विवादग्रस्त फिल्म हे राम में भी खान ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें समीक्षकों ने सराहा हालांकि ये फिल्म भी असफल श्रेणी में रही शेरुख खान ने सन 2001 में खान के कारण जौहर के साथ अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम की एक एक पारिवारिक कहानी थी और जिसमें अन्य भी कई सितारे थे ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म की सूची में थी उन्होंने अपनी फिल्म अशोका जो कि ऐतिहासिक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित थी के लिए प्रशंसाएं मिली लेकिन यह फिल्म यह फिल्म भी नाकामयाब रही सन 2002 में शहरुख खान ने संजय लीला भंसाली की दुखांत प्रेम कथा देवदास में मुख्य भूमिका अदा की जिसके लिए उन्हें एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था यह चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित तीसरी हिंदी फिल्म थी अगली साल खान ने दो फिल्में रिलीज हुई चलते चलते और कहो ना हो चलते चलते एक औसत हिट साबित हुई थी लेकिन कल हो ना हो जो कि करण जौहर की तीसरी फिल्म थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में ही हिंदी बाजारों में काफ़ी कामयाब रही हैं इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक दिल के मरीज का किरदार निभाया जो मरने से पहले अपनी चारों और सुर्खियाँ फैलाने वाला और इस अदाकारी के लिए उन्हें सराहा भी गया था 2004 में शाहरुख खान के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा इस साल उनकी पहली फिल्म थी फराह खान निर्देशित मैं हूँ ना जो शाहरुख खान द्वारा सहनिर्मित भी थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट सिद्ध हुई थी और उनकी अगली फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा कृत वीर जारा जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी जिसमें से शाहरुख खान ने अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड्स और बहुत प्रशंसाएं मिली उनकी तीसरी फिल्म की आशुतोष गवारीकर निर्देशित स्वदेश को जो दर्शकों को सिनेमाई घरों में लाने में तो सफल ना हो सकी लेकिन उसमें शाहरुख खान ने भारत एक प्रवासी भारती की भूमिका को सराहा और खान ने अपना छठवां फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 2005 में उनकी एकमात्र फिल्म पहली जो कि अनमोल पहलकर द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी हालांकि उसमें खान ने अभिनय को सराहा गया दो में शाहरुख खान एक बार फिर करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा न कहना में दिखाई दिए थे और एक अति नाटकीय फिल्म थी इस फिल्म में भारत तो सफलता प्राप्त की ही साथ ही साथ ये विदेशों में भी सफलताएं प्राप्त की और उसी वर्ष शाहरुख खान ने 1978 की हिट फिल्म डान की रीमेक डान में भी अभिनय किया जो एक बड़ी हिट सिद्धि हुई थी 2007 में शाहरुख खान ने दो फिल्में आई चक द इंडिया और ओम शांति ओम चक द इंडिया में शाहरुख खान ने महिला हॉकी टीम के कोच के किरदार में नजर आए थे जिनका लक्ष्य भारत को विश्व कब दिलाना था इस किरदार के लिए खान को समीक्षकों से तो खास प्रशंसाएं मिली ही साथ ही साथ ये फिल्म एक विशाल हिट सिद्ध हुई थी और 2007 की दूसरी फिल्म ओम शांति ओम में भी नजर आए और ये फराह खान की शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म थी इसमें शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई पहला किरदार ओम एक जूनियर कलाकार और एक हादसे में मारा जाता है और दूसरा एक नामी अभिनेता ओम कपूर है ये फिल्म भी दो की एक सफल फिल्म थी शाहरुख खान ने अपनी फिल्में जीवन की शुरुआत उन्नीस में लेक टंडन के टेलीविजन धारावाहिक दिल दरिया से आरंभ किया था लेकिन निर्माण में देरी के कारण उन्नीस नवासी का टीवी धारावाहिक फौजी उनका पहला धारावाहिक रहा था वर्ष उन्नीस सौ में उनकी लगातार चार फिल्में रिलीज हुई जो दीवाना दिल आशाना चमत्कार और राजू गया जेंटरमैन हैं शाहरुख खान का जीवन परिचय बहुत ही अच्छा रहा निभाती नजर आ रही हैं ईश्वर्या राय एक आइटम नंबर में दिखाई देती हैं फिल्म तब सेवानिवृत्ति अभिनेत्री श्रीदेवी यानी कि संजय कपूर की भाभी द्वारा बनाई गई थी और यह उनकी वापसी फिल्म मानी जाती है लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थी तो उन्होंने शुरुआत में काजोल को अपनी भूमिका की पेशकश की लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया तो इसीलिए करिश्मा कपूर को लिया गया था तो तुफ इस फिल्म के निर्देशक हैं कृष्ण वामसी जी और इस फिल्म के निर्माता हैं श्रीदेवी इसके लेखक हैं कमल पांडे और इस फिल्म के अभिनेता हैं करिश्मा कपूर नाना पाटेकर संजीव कपूर शाहरुख खान हैं और इस फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने और यह मूवी 20 सितंबर 2002 को भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी तो टूफेंस इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं शेखर यानी कि संजय कपूर और नंदरी यानी कि करिश्मा कपूर कनाडा में रहने वाले एक भारतीय जोड़े हैं वो अपने छोटे बेटी राजा के साथ रहते हैं जहां शेखर भारत में हिंसा की खबर सुनता है और अपने परिवार के घर जाता है जो कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में है नंदनी यह देखकर चौंक जाती है कि शेखर का परिवार गहराई से पितृसत्तात्मक है और शेखर के पिता नरसिम्हा नाना पाटेकर की अगुवाई में सम्मति गिरोह युद्धों में उलझा हुआ है शेखर इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो मारा जाता है नंदिनी जो अचानक एक विधवा बन जाती है और अपने बेटे के साथ भारत छोड़ने का फैसला करती है लेकिन नरसिम्हा इस बात की अनुमति नहीं देता कि उन्हें वास्तव में कैद करता है और भागने के लिए वेताब शिखर की माँ और बहन ही उसके सहयोगी हैं नंदिनी जय सिंह यानी कि शाहरुख खान से मदद मांगती है जो हिचकिचाहट के बाद जयपुर को ट्रेन में उसे बिठा देता है जय नरसिम्हा के आदमियों के साथ लड़ाई में संलग्न होता है और सफलतापूर्वक नंदिनी और राजा की रक्षा करता है लेकिन वह मर जाता है। शेखर की माँ भावात्मक रूप से नरसिम्हा से नंदिनी और उसके बेटे को जाने देने की मांग करती है लेकिन वो नहीं मानता हवाई अड्डे पर नरसिम्हा अपने पोते से बातचीत करने के बाद भवाना से अभिभूत हो जाता है और नंदिनी और राजा को शांतिपूर्वक छोड़कर कनाडा वापस जाने की अनुमति देता है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो करिश्मा कपूर नंदिनी जी के रोल में है नाना पाटेकर नरसिम्हा नंदिनी के ससुर के रूप में हैं और संजय कपूर शेखर के रूप में हैं शाहरुख खान जय सिंह के रूप में हैं और दीप्ति नवल शेखर की मां के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं विजय राज वीजा के रूप में हैं टीकू तलसानिया नंदिनी के रूप में हैं जसपाल भट्टी नंदिनी के रूप में हैं दिव्या दत्ता हैं चंद्रकांत गोखले हैं प्रकाश राज हैं रितु शिवपुरी और कमली शेखर की बहन हैं अनुपम श्याम हैं ईश्वर्या राय है। इश्क कमीना में हैं इस फिल्म में कुल दस गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक ये चाँद मेरे दिल के इसको गाया है इस्माइल दरबार और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने नंबर दो दिल ने पुकारा है इसको इस्माइल दरबार और अलका याग्निक और अदनान शामी जी ने गाया है नंबर तीन बाजी इसको इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है नंबर चार हम तुम महबूब से मिले इसको गाया है कविता कृष्ण मूर्ति ने नंबर पाँच हम तुम मिले इसको इस्माल दरबार और अदनान शामी ने गाया है नंबर छः इश्क कमीना इसको समीर और अनुमलिक और अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है नंबर सात झूमती घटा में इसको इसको गाया है नवीन कुमार ने नंबर इस्माइल दरबार और मोहम्मद सलामत ने गाया है नंबर नौ मेरे मुन्ने राजा इस्माइल दरबार और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है शक्ति फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण वामसी जी ने तो कृष्ण वामसी जी भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और कोरियोग्राफर हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वामसी ने अपना करियर रामगोपाल वर्मा के सहायक निर्देशक के रूप में शुरू किया था उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस की अवराध फिल्म गुलाबी से की जिसमें जे चक्रवर्ती ने अभिनय किया था उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और तीन प्ले फिल्म पुरस्कार और चार नंदी पुरस्कार मिले थे इनका जन्म पशुपुलेटी बेकेंट बंगराजू का हुआ था 28 जुलाई उन्नीस को आंध्र प्रदेश भारत में इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता और पठक कथा लेखक और कोरियोग्राफर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इन्होंने उन्नीस तेलुगु फिल्मों में से एक थी बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस आंध्र टाकज के तहत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आबराध फिल्म सिंधुरम का निर्देशन किया जो दोनों फिल्मों में तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और दो दो में उन्होंने शक्ति द पावर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा जो उनके अपने अठान के पंत क्लासिक पंथ पुरम की रीमेक थी उन्होंने कृष्ण वामसी ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन से शादी की है राम्या कृष्णन ने अपनी दो फिल्मों में अभिनय किया शादी से पहले श्री अंजनयम आतिथि भूमिका में थी और चंद्रलेखा वामसी की सीताराम शास्त्री का प्रशंसक माना जाता है और उन्हें जिन फिल्मों के लिए सीताराम शास्त्री ने गीत लिखे जो वामसी द्वारा निर्देशित हैं जिसमें से निल्ले पेलादत्था गुलाबी सिंधुराम चंद्रलेखा मुरारी खडगम चक्रम महात्मा और पैसा शामिल है सिरिलवेला सीताराम शास्त्री ने कृष्ण को कानूनी रूप से भारत सरकार के राजपथ के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक हिंदू पद्धति से अपनाया था शक्ति फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के हाथों हुआ था तो इनका जन्म तेरह अगस्त उन्नीस तो को 24 फरवरी 2018 हज़ार अठारह जिन्हें पेशेवर रूप से उनके मंच नाम श्रीदेवी के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम और कन्नड़ की भाषाओं में फिल्मों में काम किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्धत हुई थी वो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 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 नंदी तमिलनाडु राज्य सहित विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता थी केरल राज्य फिल्म पुरस्कार चार फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का करियर पचास साल से अधिक समय तक इसलैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में फैला रहा था वो अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी लेकिन स्क्रीन पर हटी और मुखर व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिकृक्त महिलाओं की भूमिका निभा रही थी उन्होंने दो में श्रीदेवी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें सौ साल में भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में भी चुना जा चुका है सी एन एन आई वी एन राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था इनका जन्म अम्मा यंगर अपन तेरह अगस्त उन्नीस को मीनमपट्टी मद्रास राज्य भारत में हुआ था इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को चौवन वर्ष की उम्र में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो गई थी इनका व्यवसाय अभिनेत्री थी इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से और 2018 तक इनके पति का नाम है बोनी कपूर इनकी संतान है दो जानवी कपूर और श्रीदेवी ने चार साल की उम्र में उन्नीस की तमिल फिल्म कंधन करुणई में एक बच्ची के रूप में अपनी शुरुआत की और एम ए थिरुमुगम की उन्नीस की पौराणिक तमिल रोल को निभाया था वो अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक किशोर बिंगव के रूप में अपनी पहली भूमिका उन्नीस में तेरह साल की उम्र में आई जब उन्हें तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में कौष्ट किया गया था उन्होंने जल्दी ही खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है और सोला वाथनाइल में भूमिकाओं के साथ 1977 में थुलावर्सम उन्नीस और अंगीकारम 1977 और सिगप्पू रोजकल 1978 और पहाड़ हेरेला वायसू उन्नीस और बेतागाडू उन्नीस और वारुमाइन नीरम शिवप्पुम उन्नीस सौ अस्सी और मीनुम कोकिला उन्नीस सौ इक्यासी और प्रेमा उन्नीस सौ इक्यासी और वाइजमे मायम उन्नीस सौ बयासी और राम, पिराई उन्नीस सौ बयासी आखिरी पोराथम उन्नीस सौ अट्ठासी जगदेका बिरदु आतीलोक सुंदरी उन्नीस सौ नब्बे और छड़ छड़म उन्नीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अब अभिनित भूमिका ड्रामा फिल्म सोलह सावन उन्नीस के साथ आई और उन्हें एक्शन फिल्म हिम्मतवाला वाला 1983 के लिए व्यापक पहचान मिली थी उन्होंने मावली उन्नीस जस्टिस चौधरी उन्नीस सौ तोहफा उन्नीस और नया कदम उन्नीस मकसूद उन्नीस मास्टर जी उन्नीस कर्मा उन्नीस सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया था नजराना उन्नीस वतन के रखवाली उन्नीस मिस्टर इंडिया उन्नीस वक्त की आवाज़ उन्नीस और चांदनी उन्नीस सदमा उन्नीस नगीना उन्नीस चालवास उन्नीस लम्हे उन्नीस में खुदा गवाह उन्नीस में गोमरा उन्नीस में लाडला उन्नीस में और जुदाई उन्नीस सहित फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उच्च प्रशंसाएं मिली हैं और उन्नीस में टेलीविजन सिटका मालिनी अय्यर दो और पाँच में टाइटेनिक नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश दो हजार के साथ फिल्म में अभिनय की वापसी की और वैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी अपनी तीन सौ ही और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया था मां दो उन्होंने दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचात्मक प्रशंसाएं अर्जित की हैं और बाद के लिए उन्हें मरणोपरान्त सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चौबीस फरवरी दो को वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जुमेरा अमीराज टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी जिनसे उनके अभिनेत्री जानवी कपूर सहित दो बच्चे हुए हैं शक्ति फिल्म में संजीव कपूर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो वह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वह हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब श्रृंखला में काम करते हैं वे सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं और कपूर संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं इनका जन्म सत्रह अक्टूबर 1965 को बाम्बी महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इनकी पत्नी का नाम है महीप संधू और इनके दो संदाने हैं तो कपूर जी का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर से हुआ था उनके तीन बड़े भाई बहन बोनी कपूर अनिल कपूर और रीना मारवा हैं अभिनेता सोनू कपूर अर्जुन कपूर जानवी कपूर मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर उनके भतीजे और भतीजी हैं पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से पचानवे से ताबू के साथ फिल्म प्रेम से हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की हालांकि उन्होंने नवोदित कलाकारों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म में उनके कई वर्षों की देरी हुई क्योंकि यह उन्नीस में निर्माण में थी रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर लिया था और कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा उन्नीस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उन्होंने औजार उन्नीस में मोहम्मद उन्नीस में और सिर्फ तुम उन्नीस जैसी मुख्य अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है मामूली सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा 2000 की मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं 2002 में वो कोई मेरे दिल में पूछे में ईसा देवल के मानसिक पति की भूमिका निभाने वाले खलनायक के रूप में दिखाई दिए थे उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसाएं की उन्होंने कयामत सिटी अंडर थ्रेट 2003 और जूली 2004 में लक बॉय चांस 2009 और शानदार 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू की थी उन्होंने 2015 में रिलीज होने वाले अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने पहले प्रोडक्शन तेवर के तहत फिल्म निर्माण की और रुख किया उन्होंने मुबारक दो हज़ार में पहली बार अपने भाई अनिल कपूर के साथ एक कैमियो की भूमिका निभाई थी उन्होंने 2018 की शुरुआत में संजय कपूर को एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में अभिनेत्री मनीषा कोईराला के साथ मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था उसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनू कपूर ने ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण कास्ट किया था और 2020 में वो अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्पीलिंग पार्टनर में नजर आई थी उन्होंने 2003 में टेलीविजन धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डिस्टिनरी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और 2017 में उन्हें विक्रम भट्ट के टेलीविजन धारावाहिक दिल संभल जा में स्मृति कलारा के साथ कॉस्ट किया गया था और यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और वह कैसे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं यहां तक कि उन्होंने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज सोगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका निभाई थी उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में दिया गया था और 2020 में वो राजीव गुजराल के रूप में द गन गेम में दिखाई दिए थे वो फिर 2021 में द लास्ट लावरमी में सी आरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए और 2002 में माधुरी दीक्षित के साथ नेट वेब शो द फेम गेम में निखिल मोरे के रूप में दिखाई दिए थे उन्होंने उन्नीस सौ में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप संधु से शादी की है और इस जोड़े के दो बच्चे हैं सयाना और जहान कपूर उनकी बेटी सयाना शशांक खेतान द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार शक्ति फिल्म में करिश्मा कपूर जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वो प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं इनका जन्म 25 जून उन्नीस को मुंबई में हुआ था इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्धि और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है इनका जन्म जन्म करिश्मा कपूर जी का 25 जून चौहत्तर को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत उन्नीस से 2003 और 2008 से वर्तमान तक धार्मिक मान्यताएं हिंदू और जीवन संगनी संजय कपूर करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर खानदान से संबंधित रखती हैं और हम उन्हें लोलो के नाम से भी जानते हैं उन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष उन्नीस में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं लाजवाब अभिनय और बेहतर नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं और अपने फिल्मी करियर के दौरान करिश्मा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और चार फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किए हैं इन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार राजा हिंदुस्तानी के लिए प्राप्त किया और उन्नीस में फिल्म में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्रताप किया था 1998 में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्राप्त किया और 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए प्राप्त किया था और 2002 में फिल्म फेयर आलोचकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जुबैदा प्राप्त किया था शक्ति फिल्म में नाना पाटेकर ने अपनी रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं की हैं तो इनका नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 1 जनवरी उन्नीस को हिंदी फिल्म एवं मराठी फिल्मों के एक अभिनेता हैं इनका जन्म विश्वनाथ पाटेकर मुरुज जंजीरा बांबे राज्य भारत में हुआ था इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनकी राष्ट्रीयता भारती है इनका व्यवसाय अभिनेता और लेखक हैं इनकी जीवन संगनी हैं नीलकान्ति पाटेकर और इनके बच्चे हैं मल्लार पाटेकर और इनके माता पिता दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर हैं इन्हें पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से 2013 में तो नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं और वह लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिनय की सफल कायल और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है वो इंडस्ट्री ऑफ डायलॉग के बोलने की स्टाइल को लेकर काफ़ी मशहूर हैं उनके आवेनिक की दीवाने आपको हर आयु और वर्ग के लोग मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जन्म मुरुंडू जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माँ का नाम संजनाबाई पाटेकर है इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नाना की पढ़ाई सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से की थी नाना पाटेकर की शादी नीलकान्ति पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है और आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की हुई थी लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया था जिसमें उनके खलनायक की भूमिका अदा की गई थी इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय का लोहा बनवाया है क्रांतिवीर खामोशी यशवंत अब तक छप्पन अपर वेलकम राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है शक्ति में शाहरुख खान ने अपने रोल को सहायक की भूमिकाओं के लिए निभाया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो उन्होंने अपना रोल करिश्मा कपूर के साथ निभाया है इनका जन्म 2 नवंबर 1965 जिन्हें अक्सर शाहरुख खान के रूप में श्रेय दिया जाता है और अनौपचारिक रूप से एस आर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है वह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीवुड का बादशाह और किंग कोबरा खान रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड नामों से भी पुकारा जाता है शेरुख खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर जेसी में बहत्तर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्होंने तीस नामांकनों से चौदह फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं वे और दिलीप कुमार की ही एक ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आठ बार जीता है और 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया था और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनका व्यवसाय अभिनेता निर्माता टेलीविजन मेजबान है इनका कार्यकाल उन्नीस सौ अब तक और जीवन संघनी है गौरी खान इनके तीन बच्चे हैं तो अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में वो कई टेलीविजन धारावाहिकों की से और उन्नीस में व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार प्रदान किया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की हैं जिसमें डर उन्नीस बाजीगर तिरानवे उन्नीस और अंजाम उन्नीस शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखाई दिए हो भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिनमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में वे ऐतिहासिक ड्रामा शामी अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में कई टेलीविजन धारावाहिकों से की है और उन्नीस में व्यवसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर और अभिनय पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की है जिसमें डर उन्नीस बाजीगर उन्नीस और अंजाम उन्नीस शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे व भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिसमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में व ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में शामिल हैं वेल्थ रिसर्च फार्म वेल्थ एक्स के मुताबिक किंग खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता बन गए हैं फर्म ने अभिनेता की कुल संपत्ति छत्तीस सौ साठ करोड़ रुपये आंकी थी लेकिन अब पाँच हजार करोड़ बताई जा रही है तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में शेरुख खान के माता पिता पठान मूल के थे उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी माँ लतीफ फातिमा मेजर जनरल शहनवाज खान की पुत्री थी खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे हालांकि उनकी मां रावलपिंडी में आई थी और खान की एक बहन भी है जिसका नाम शहनवाज लाला रुख है जिन्हें प्यार से लाला रुख बुलाते हैं और खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बा स्कूल से की जहां वो क्रीड़ा क्षेत्र शैक्षिक जीवन और नाटक की कला में निपुण थी स्कूल की तरफ से उन्हें स्कॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था जो प्रत्येक वर्ष सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी एवं खिलाड़ी को दिया जाता था इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज कॉलेज से शास्त्र की डिग्री एवं जामिया इस्लामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मॉस कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री हासिल की है अपनी माता पिता के देहांत के उपरांत खान ने उन्नीस में दिल्ली से मुंबई आ गए थे और उन्नीस में उनका विवाह गौरी खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था उनकी तीन संतानें हैं एक पुत्र आर्यन और दूसरा सुहाना और तीसरा पुत्र अब्राहम है शाहरुख खान ने अपने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देश वेरी जान से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में ली थी वर्ष 2007 में जान ने अपने पुराने शिष्य के बारे में कहा है कि शहरुख के करियर के की असाधारण सफलता का सारा श्रेय उसको ही जाता है शहरुख खान ने अपना करियर 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से प्रारंभ किया जिसमें से उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार अदा किया था उसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अपने अभिनय किया था जिसमें प्रमुख था उन्नीस से लेकर उन्नीस का सर्कस जिसमें सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया था जो अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित उस वर्ष की अथुरंती राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिल्म इन बिच एनी गिल्ड्स इन दोज वंश में एक छोटा किरदार निभाया था ये फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी और अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत 1991 में शहरुख खान ने नई दिल्ली से मुंबई आ गए और बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवाना फिल्म से हुआ जो बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित हुआ था और इस फिल्म के लिए उन्हें फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड मिला था उनकी अगली फिल्म थी दिल आशियाना जो नहीं चली और उन्नीस की हिट फिल्म बाजीगर में एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और उस वर्ष फिल्म डर में किसके जुनून में पागल आशिक का किरदार अदा करने के लिए उन्हें सराहा गया था इस वर्ष फिल्म में कभी हाँ कभी ना के लिए उन्हें फिल्मफेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्नीस में खान ने फिल्म अंजाम में एक बार फिर जुनूनी एवं मानोरो आशिकी की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया था उन्नीस पंचानबे में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई थी ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती थी मुंबई के कुछ सिनेमाई घरों में यह बारह सालों से चली आ रही है इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है और उन्नीस उनके लिए एक निराशजनक साल रहा क्योंकि उसमें उनकी सारी फिल्में असफल रहीं और उन्नीस में उन्होंने यश राज चोपड़ा की दिल तो पागल है सुभाष घई की परदेश और अजीज मिर्जा की एस बॉस जैसी फिल्मों के साथ सफलताएं के क्षेत्र में फिर कदम रखा है वर्ष उन्नीस अट्ठानबे के कारण जौहर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हिट घोषित हुई थी और खान की चौथी बार फिल्म फेयर सबसे अभिनेता का पुरस्कार हासिल हुआ था इसी साल उन्हें की फिल्म दिल से अपने अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों से काफी तारीफ मिली और यह फिल्म भारत के बाहर काफी सफल रही थी अगला वर्ष उनके लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एकमात्र फिल्म बादशाह का प्रदर्शन स्मरणीय नहीं रहा और वो औसत व्यापार ही कर पाई थी सन 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में उनके किरदार को समीक्षकों से बहुत प्रशंसाएं मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मफेयर समीक्षा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था उस ही साल उनकी फिल्म जोश भी हिट हुई थी उस वर्ष खान ने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ फिर मिलकर खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ने अभिनय किया बॉक्स ऑफिस पे जादू बिखेरने में असमर्थ रही कमल हसन की विवादग्रस्त फिल्म राम में भी खान ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें समीक्षकों ने सराहा हालांकि ये फिल्म भी असफल श्रेणी में रही शाहरुख खान ने सन 2001 में खान के कारण जौहर के साथ अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम की एक एक पारिवारिक कहानी थी और जिसमें अन्य भी कई सितारे थे यह फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म की सूची में थी उन्होंने अपनी फिल्म अशोका जो कि ऐतिहासिक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित थी, के लिए प्रशंसाएं मिली, लेकिन यह यह फिल्म ये फिल्म भी नाकामयाब रही सन 2002 में शरुख खान ने संजय लीला भंसाली की दुखांत प्रेम कथा देवदास में मुख्य भूमिका अदा की जिसके लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था यह सतरचंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित तीसरी हिंदी फिल्म थी अगली साल खान ने दो फिल्में रिलीज हुई चलते चलते और कहो ना हो चलते चलते एक औसत हिट साबित हुई थी लेकिन कल हो ना हो जो कि करण जौहर की तीसरी फिल्म थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में ही हिंदी बाजारों में काफ़ी कामयाब रही हैं इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक दिल के मरीज का किरदार निभाया जो मरने से पहले अपनी चारों और सुर्खियाँ फैलाने वाला और इस अदाकारी के लिए उन्हें सराहा भी गया था 2004 में शाहरुख खान के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा इस साल उनकी पहली फिल्म थी फराह खान निर्देशित मई ना जो शाहरुख खान द्वारा सह निर्मित भी थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट सिद्ध हुई थी और उनकी अगली फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा वीर जा रहा जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी जिसमें से शाहरुख खान ने अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड्स और बहुत प्रशंसाएं मिली उनकी तीसरी फिल्म की आशुतोष गवारीकर निर्देशित स्वदेश को जो दर्शकों को सिनेमाई घरों में लाने में तो सफल ना हो सकी लेकिन उसमें शाहरुख खान ने भारत एक प्रवासी भारती की भूमिका को सराहा और खान ने अपना फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 2005 में उनकी एकमात्र फिल्म पहली जो कि अनमोल पहलकर द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी हालांकि उसमें खान ने अभिनय को सराहा गया दो में शाहरुख खान एक बार फिर करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा न कहना में दिखाई दिए थे और एक अति नाटकीय फिल्म थी इस फिल्म में भारत तो सफलता प्राप्त की ही साथ ही साथ ये विदेशों में भी सफलताएं प्राप्त की और उसी वर्ष शाहरुख खान ने 1978 की हिट फिल्म डान की रीमेक डान में भी अभिनय किया जो एक बड़ी हिट सिद्धि हुई थी 2007 में शाहरुख खान ने दो फिल्में आई चक द इंडिया और ओम शांति ओम चक द इंडिया में शाहरुख खान ने महिला हॉकी टीम के कोच के किरदार में नजर आए थे जिनका लक्ष्य भारत को विश्व कप दिलाना था इस किरदार के लिए खान को समीक्षकों से तो खास प्रशंसाएं मिली ही साथ ही साथ ये फिल्म एक विशाल हिट सिद्ध हुई थी और 2007 की दूसरी फिल्म ओम शांति ओम में भी नज़र आए और ये फराह खान की शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म थी इसमें शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई पहला किरदार ओम एक जूनियर कलाकार और एक हादसे में मारा जाता है और दूसरा एक नामी अभिनेता ओम कपूर है ये फिल्म भी 2007 की एक सफल फिल्म थी शाहरुख खान ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत 1988 में लेक टंडन के टेलीविजन धारावाहिक दरिया से आरंभ किया था लेकिन निर्माण में देरी के कारण उन्नीस नवासी का टीबी धारावाहिक फौजी उनका पहला धारावाहिक रहा था वर्ष उन्नीस में उनकी लगातार चार फिल्में रिलीज हुई जो दीवाना दिल आशाना चमत्कार और राजू बन गए जेंटरमैन है शाहरुख खान का जीवन परिचय बहुत ही अच्छा रहा नंबर में दिखाई देती हैं फिल्म तब सेवानिवृत्ति अभिनेत्री श्रीदेवी यानी कि संजय कपूर की भाभी द्वारा बनाई गई थी और यह उनकी वापसी फिल्म मानी जाती है लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थी तो उन्होंने शुरुआत में काजोल को अपनी भूमिका की पेशकश की लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया तो इसीलिए करिश्मा कपूर को लिया गया था तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं कृष्ण वामसी जी और इस फिल्म के निर्माता हैं श्रीदेवी इसके लेखक हैं कमल पांडे और इस फिल्म के अभिनेता हैं करिश्मा कपूर नाना पाटेकर संजीव कपूर शहरुख खान हैं और इस फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने और यह मूवी 20 सितंबर 2002 को भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी तो फैंस इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं शेखर यानी कि संजय कपूर और नंदरी यानी कि करिश्मा कपूर कनाडा में रहने वाले एक भारतीय जोड़े हैं वो अपने छोटे बेटी राजा के साथ रहते हैं जहां शेखर भारत में हिंसा की खबर सुनता है और अपने परिवार के घर जाता है जो कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में है नंदनी यह देखकर चौंक जाती है कि शेखर का परिवार गहराई से पितृसत्तात्मक है और शेखर के पिता नरसिम्बा नाना पाटेकर की अगुवाई में सम्मति गिरोह युद्धों में उलझा हुआ है शेखर इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो मारा जाता है नंदिनी जो अचानक एक विधवा बन जाती है और अपने बेटे के साथ भारत छोड़ने का फैसला करती है लेकिन नरसिम्हा इस बात की अनुमति नहीं देता कि उन्हें वास्तव में कैद करता है और भागने के लिए वेताब शिखर की माँ और बहन ही उसके सहयोगी हैं नंदिनी जय सिंह यानी कि शाहरुख खान से मदद मांगती है जो हिचकिचाहट के बाद जयपुर को ट्रेन में उसे बिठा देता है जय नरसिम्हा के आदमियों के साथ लड़ाई में संलग्न होता है और सफलतापूर्वक नंदिनी और राजा की रक्षा करता है लेकिन वो मर जाता है। शिखर की माँ भावात्मक रूप से नरसिम्हा से नंदिनी और उसके बेटे को जाने देने की मांग करती है लेकिन वो नहीं मानता हवाई अड्डे पर नरसिम्हा अपने पोते से बातचीत करने के बाद भवाना से अभिभूत हो जाता है और नंदिनी और राजा को शांतिपूर्वक छोड़कर कनाडा वापस जाने की अनुमति देता है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो करिश्मा कपूर नंदिनी जी के रोल में है नाना पाटेकर नरसिम्हा नंदिनी के ससुर के रूप में हैं, और संजय कपूर शेखर के रूप में हैं शाहरुख खान जय सिंह के रूप में हैं और दीप्ति नवल शेखर की मां के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं विजय वीजा के रूप में हैं टीकू तलसानिया नंदिनी के रूप में है जसपाल भट्टी नंदिनी के रूप में है दिव्या दत्ता हैं चंद्रकांत गोखले हैं प्रकाश राज हैं रितु शिवपुरी और कमली शेखर की बहन हैं, अनुपम श्याम हैं ईश्वर्या राय है। इश्क कमीना में हैं। इस फिल्म में कुल दस गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक ये चांद मेरे दिल के इसको गाया है इस्माइल दरबार और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने नंबर दो दिल ने पुकारा है इसको इस्माइल दरबार और अलका याग्निक और अदनान शामी जी ने गाया है नंबर तीन बाजी इसको इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है नंबर चार हम तुम महबूब से मिले इसको गाया है कविता कृष्ण मूर्ति ने नंबर पाँच हम तुम मिले इसको इस्माइल दरबार और अदनान शामी ने गाया है नंबर छः इश्क कमीना इसको समीर और अनुमलिक और अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है नंबर सात झूमती घटा में इसको इसको गाया है नवीन कुमार ने नंबर इस्माइल दरबार और मोहम्मद सलामत ने गाया है नंबर नौ मेरे मुन्ने राजा इस्माइल दरबार और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है शक्ति फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण वापसी जी ने तो कृष्ण वामसी जी भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और कोरियोग्राफर हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वामसी ने अपना करियर राम गोपाल वर्मा की सहायक निर्देशक के रूप में शुरू किया था उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस की अवराध फिल्म गुलाबी से की जिसमें जे चक्रवर्ती ने अभिनय किया था उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन फिल्मफेम पुरस्कार और चार नंदी पुरस्कार मिले थे इनका जन्म पशुपुलेटी बेकेंट बंगराजू का हुआ था 28 जुलाई उन्नीस को आंध्र प्रदेश भारत में इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता और पठक कथा लेखक और कोरियोग्राफर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक उन्नीस सौ छियानबे में उन्होंने निर्देशन किया और जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस आंध्र टाकज के तहत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आबराध फिल्म सिंधुरम का निर्देशन किया जो दोनों फिल्मों में तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और दो दो में उन्होंने शक्ति द पावर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा जो उनके अपने उन्नीस के तेलुगु पंथ क्लासिक पुरम की रीमेक थी उन्होंने कृष्ण वामसी ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन से शादी की है राम्या कृष्णन ने अपनी दो फिल्मों में अभिनय किया शादी से पहले श्री अंजनयम अतिथि भूमिका में थी और चंद्रलेखा कृष्ण वामसी की सीताराम शास्त्री का प्रशंसक माना जाता है और उन्हें जिन फिल्मों के लिए सीताराम शास्त्री ने गीत लिखे जो वामसी द्वारा निर्देशित हैं जिसमें से नीले पेला दत्था गुलाबी सिंधुराम चंद्रलेखा मुरारी खडगम चक्रम महात्मा और पैसा शामिल है श्रीलवेला सीताराम शास्त्री ने कृष्ण वामसी को कानूनी रूप से भारत सरकार के राजपथ के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक हिंदू पद्धति से अपनाया था शक्ति फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के हाथों हुआ था तो इनका जन्म तेरह अगस्त उन्नीस को 24 फरवरी 2018 हजार अट्ठारह जिन्हें पेशेवर रूप से उनके मंच नाम श्रीदेवी के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम और कन्नड़ की भाषाओं में फिल्मों में काम किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपर स्टार के रूप में उद्धत हुई थी वो राष्ट्रीय पुरस्कार 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 नंदी तमिलनाडु राज्य विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता थी केरल राज्य फिल्म पुरस्कार चार फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का करियर पचास साल से अधिक समय तक इसलैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में फैला रहा था वो अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी लेकिन स्क्रीन पर हटी और मुखर व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिकृत महिलाओं की भूमिका निभा रही थी उन्होंने दो में श्रीदेवी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें सौ साल में भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में भी चुना जा चुका है सी एन एन आई वी एन राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो हजार तेरह में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था इनका जन्म सिरी अम्मा यंगर अपन तेरह अगस्त उन्नीस सौ तिरसठ को मीनमपट्टी मद्रास राज्य भारत में हुआ था इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को चौवन वर्ष की उम्र में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो गई थी इनका व्यवसाय अभिनेत्री थी इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से और 2018 तक इनके पति का नाम है बोनी कपूर इनकी संतान है दो जानवी कपूर और श्रीदेवी ने चार साल की उम्र में उन्नीस की तमिल फिल्म कंदन करुणई में एक बच्ची के रूप में अपनी शुरुआत की और एम ए थिरुमुगम की उन्नीस की पौराणिक तमिल फिल्म रोल को निभाया था वो अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक किशोर बेंगवक्स के रूप में अपनी पहली भूमिका उन्नीस में तेरह साल की उम्र में आई जब उन्हें तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में कौष्ट किया गया था उन्होंने जल्दी ही खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है और सोला वाथिनाइल में भूमिकाओं के साथ 1977 में थुलावर्सम उन्नीस और अंगीकारम 1977 और सिगप्पू रोजकल 1978 और पहाड़ हेरेला वायुसु उन्नीस और बेतागाडु उन्नीस और वारुमाइन नीरम शिवपुम उन्नीस सौ अस्सी और मीनुम कोकिला उन्नीस सौ इक्यासी और प्रेमा उन्नीस सौ इक्यासी और वाइजमे मायम उन्नीस सौ बयासी और राम, पिराई उन्नीस सौ बयासी आखिरी पोराथम उन्नीस सौ अट्ठासी जगदेका बिरदू आथीलोक सुंदरी उन्नीस सौ नब्बे और छड़ छड़म उन्नीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अभ अभिनित भूमिका ड्रामा फिल्म सोलह सावन उन्नीस के साथ आई और उन्हें एक्शन फिल्म हिम्मतवाला वाला 1983 के लिए व्यापक पहचान मिली थी उन्होंने मावली उन्नीस जस्टिस चौधरी उन्नीस तोहफा उन्नीस और नया कदम उन्नीस मकसूद उन्नीस मास्टर जी उन्नीस सौ पचासी कर्मा उन्नीस सौ सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया था नजराना उन्नीस वतन के रखवाली उन्नीस मिस्टर इंडिया उन्नीस वक्त की आवाज़ उन्नीस और चांदनी उन्नीस सदमा उन्नीस नगीना उन्नीस सौ छियासी चालवास उन्नीस लम्हे उन्नीस में खुदा गवाह उन्नीस में गोमरा उन्नीस में लाडला उन्नीस में और जुदाई उन्नीस सहित फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उच्च प्रशंसाएं मिली हैं और उन्नीस में टेलीविजन सिट अयर दो अय्यर 2004 और 5 में टाइटेनिक नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश दो हजार के साथ फिल्म में अभिनय की वापसी की और वैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी अपनी तीन सौ ही और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया था माँ दो उन्होंने दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं अर्जित की हैं और बाद के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चौबीस फरवरी दो को वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जुमेरा अमीराज टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी जिनसे उनके अभिनेत्री जानवी कपूर सहित दो बच्चे हुए हैं शक्ति फिल्म में संजीव कपूर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो वह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वह है हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब श्रृंखला में काम करते हैं वह है सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं और कपूर संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं इनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को बाम्बी महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इनकी पत्नी का नाम है महीप संधू और इनके दो संदाने हैं कपूर जी का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था उनके तीन बड़े भाई बहन बोनी कपूर अनिल कपूर और रीना मारवा हैं अभिनेता सोनू कपूर अर्जुन कपूर जानवी कपूर मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर उनके भतीजे और भतीजी हैं पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस सौ पचानवे से नवंदुक के साथ फिल्म प्रेम से हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की हालांकि उन्होंने नवोदित कलाकारों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म में उनके कई वर्षों की देरी हुई क्योंकि यह उन्नीस में निर्माण में थी रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर लिया था और कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा उन्नीस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उन्होंने औजार उन्नीस में मोहम्मद उन्नीस में और सिर्फ तुम उन्नीस जैसी मुख्य अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है मामूली सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा 2000 की मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं दो में वो कोई मेरे दिल में पूछे में ईसा देवल के मानसिक पति की भूमिका निभाने वाले खलनायक के रूप में दिखाई दिए थे उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसाएं की उन्होंने कयामत सिटी अंदर थ्रेट 2003 और जूली 2004 में चार में चांस 2009 और शानदार 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू की थी उन्होंने 2015 में रिलीज होने वाले अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने पहले प्रोडक्शन तेवर के तहत फिल्म निर्माण की और रुख किया उन्होंने मुबारका दो हज़ार में पहली बार अपने भाई अनिल कपूर के साथ एक कैमियो की भूमिका निभाई थी उन्होंने 2018 की शुरुआत में संजय कपूर को एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में अभिनेत्री मनीषा कोयराला के साथ मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था उसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनू कपूर ने ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण में कास्ट किया था और 2020 में वो अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्पीलिंग पार्टनर में नजर आई थी उन्होंने 2003 में टेलीविजन धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डिस्टिनरी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और 2017 में उन्हें विक्रम भट्ट के टेलीविजन धारावाहिक दिल संभल जा में स्मृति कलारा के साथ कॉस्ट किया गया था और यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और वह कैसे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक कि उन्होंने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज सोगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका निभाई थी उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में दिया गया था और 2020 में वो राजीव गुजराल के रूप में द गन गेम में दिखाई दिए थे वो फिर 2021 में द लास्ट लावर में डीसीपी सी आरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए और 2002 में माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स वेब शो द फेम गेम में निखिल मोरे के रूप में दिखाई दिए थे उन्होंने उन्नीस में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप संधू से शादी की है और इस जोड़े के दो बच्चे हैं सयाना और जहान कपूर उनकी बेटी सयाना शशांक खेतान द्वारा निर्देशित धर्म प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार शक्ति फिल्में करिश्मा कपूर जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफी पसंद आया था तो करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वो प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं इनका जन्म पच्चीस जून उन्नीस सौ चौहत्तर को मुंबई में हुआ था इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्धि और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है इनका जन्म करिश्मा कपूर जी का जन्म पच्चीस जून उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत उन्नीस सौ इक्यानवे से 2003 और 2008 से वर्तमान तक धार्मिक मान्यताएं हिंदू और जीवन संगनी हैं संजय कपूर करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर खानदान से संबंधित रखती हैं और हम उन्हें लोलो के नाम से भी जानते हैं उन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष उन्नीस में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं लाजवाब अभिनय और बेहतर नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं और अपने फिल्मी करियर के दौरान करिश्मा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और चार फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किए हैं इन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार राजा हिंदुस्तानी के लिए प्राप्त किया और उन्नीस सौ अट्ठानबे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्रताप किया था उन्नीस में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्राप्त किया और 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए प्राप्त किया था और 2002 में फिल्म फेयर आलोचकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जुबैदा प्राप्त किया था शक्ति फिल्म में नाना पाटेकर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएँ की हैं तो इनका नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 1 जनवरी उन्नीस को हिंदी फिल्म एवं मराठी फिल्मों के एक अभिनेता हैं इनका जन्म विश्वनाथ पाटेकर मुरुज जंजीरा बांबे राज्य भारत में हुआ था इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनकी राष्ट्रीयता भारती है इनका व्यवसाय अभिनेता और लेखक हैं इनकी जीवन संगनी हैं नीलकान्ति पाटेकर और इनके बच्चे हैं मल्लार पाटेकर और इनके माता पिता दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर हैं इन्हें पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से 2013 में तो नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं और वह लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिनय की सफल कायल और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है वह इंडस्ट्री ऑफ डायलॉग के बोलने की स्टाइल को लेकर काफ़ी मशहूर हैं उनके अभिनय की दीवाने आपको हर आयु और वर्ग के लोग मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जन्म मुरुंडू जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माँ का नाम संजनाबाई पाटेकर है इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नाना की पढ़ाई सर्जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से की थी नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है और आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की हुई थी लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया था जिसमें उनके खलनायक की भूमिका अदा की गई थी इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय का लोहा मनवा क्रांतिवीर खामोशी यशवंत अब तक छप्पन अपर वेलकम राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है शक्ति फिल्में शाहरुख खान ने अपने रोल को सहायक की भूमिकाओं के लिए निभाया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया था तो उन्होंने अपना रोल करिश्मा कपूर के साथ निभाया है इनका जन्म 2 नवंबर 1965 जिन्हें अक्सर शाहरुख खान के रूप में श्रेय दिया जाता है और अनौपचारिक रूप से एस आर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है वह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीवुड का बादशाह और किंग कोबरा खान रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड नामों से भी पुकारा जाता है शाहरुख खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर जैसी शैलू में बहत्तर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्होंने तीस नामांकनों से चौदह फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं वह और दिलीप कुमार की ही एक ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आठ बार जीता है और 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया था और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनका व्यवसाय अभिनेता निर्माता टेलीविजन मेजबान है इनका कार्यकाल उन्नीस सौ अब तक और जीवन संघनी है गौरी खान इनके तीन बच्चे हैं तो अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में वो कई टेलीविजन धारावाहिकों की से और उन्नीस में व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म उन्हें सर्वश्रेष्ठ फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार प्रदान किया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्म फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की हैं जिसमें डर उन्नीस बाजीगर तिरानवे उन्नीस और अंजाम उन्नीस शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखाई दिए हो भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिनमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में वे ऐतिहासिक ड्रामा शामी अस्त्रशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में कई टेलीविजन धारावाहिकों से की है और उन्नीस सौ बानवे में व्यवसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर और अभिनय पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की है जिसमें डर उन्नीस सौ तिरानवे बाजीगर उन्नीस सौ तिरानवे और अंजाम उन्नीस सौ चौरानवे शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे व भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिसमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में व ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में शामिल हैं वेल्थ रिसर्च फार्म वेल्थ एक्स के मुताबिक किंग खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता बन गए हैं फर्म ने अभिनेता की कुल संपत्ति छत्तीस सौ साठ करोड़ रुपये आंकी थी लेकिन अब पाँच हजार करोड़ बताई जा रही है तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में शाहरुख खान के माता पिता पठान मूल के थे उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी माँ लतीफ फातिमा मेजर जनरल शहनवाज खान की पुत्री थी खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे हालांकि उनकी माँ रावलपिंडी में आई थी और खान खान की एक बहन भी है जिसका नाम शहनवाज लाला रुख है जिन्हें प्यार से लाला रुख बुलाते हैं और खान ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बा स्कूल से की जहां वो क्रीड़ा क्षेत्र शैक्षिक जीवन और नाट्य की कला में निपुण थी स्कूल की तरफ से उन्हें स्कोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था जो प्रत्येक वर्ष सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी एवं खिलाड़ी को दिया जाता था इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज से शास्त्र की डिग्री एवं जामिया इस्लामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मॉस केशन की मास्टर डिग्री हासिल की है अपनी माता पिता के देहांत के उपरांत खान ने उन्नीस में दिल्ली से मुंबई आ गए थे और उन्नीस में उनका विवाह गौरी खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था उनकी तीन संतानें हैं एक पुत्र आर्यन और दूसरा सुहाना और तीसरा पुत्र अब्राहम है शाहरुख खान ने अपने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देश वेरी जान से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में ली थी वर्ष 2007 में जान ने अपने पुराने शिष्य के बारे में कहा है कि शाहरुख के करियर के की असाधारण सफलता का सारा श्रेय उसको ही जाता है शाहरुख खान ने अपना करियर 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से प्रारंभ किया जिसमें से उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार अदा किया था उसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अपने अभिनय किया था जिसमें प्रमुख था उन्नीस से लेकर उन्नीस का सर्कस जिसमें सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया था जो अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित उस वर्ष की अथुरंती राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिल्म इन बिच एनी गिल्ड्स इन दोज वंश में एक छोटा किरदार निभाया था ये फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी और अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत 1991 में शहरुख खान ने नई दिल्ली से मुंबई आ गए और बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवाना फिल्म से हुआ जो बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित हुआ था और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड मिला था उनकी अगली फिल्म थी दिल आशियाना जो नहीं चली और उन्नीस की हिट फिल्म बाजीगर में एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और उस वर्ष फिल्म डर में किसके जुनून में पागल आशिक का किरदार अदा करने के लिए उन्हें सराहा गया था इस वर्ष फिल्म में कभी हाँ कभी ना के लिए उन्हें फेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्नीस में खान ने फिल्म अंजाम में एक बार फिर जुनूनी एवं आशिकी की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया था उन्नीस पंचानबे में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई थी ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती थी मुंबई के कुछ सिनेमाई घरों में यह बारह सालों से चली आ रही है इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिल, फिल्म, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है और उन्नीस उनके लिए एक निराशजनक साल रहा क्योंकि उसमें उनकी सारी फिल्में असफल रहीं और उन्नीस में उन्होंने यश राज चोपड़ा की दिल तो पागल है सुभाष घई की परदेश और अजीज मिर्जा की एस बॉस जैसी फिल्मों के साथ सफलताएँ के क्षेत्र में फिर कदम रखा है वर्ष उन्नीस के कारण जौहर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हिट घोषित हुई थी और खान की चौथी बार फिल्म फेयर सबसे अभिनेता का पुरस्कार हासिल हुआ था इसी साल उन्हें मणिरत्नम की फिल्म दिल से अपने अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों से काफ़ी तारीफ मिली और ये फिल्म भारत के बाहर काफ़ी सफल रही थी अगला वर्ष उनके लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एकमात्र फिल्म बादशाह का प्रदर्शन स्मरणीय नहीं रहा और वो औसत व्यापार ही कर पाई थी सन 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें उनके किरदार को समीक्षकों से बहुत प्रशंसाएं मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्मफेयर समीक्षा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था उस ही साल उनकी फिल्म जोश भी हिट हुई थी उस वर्ष खान ने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ फिर मिलकर खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ने अभिनय किया बॉक्स ऑफिस पर जादू बिखेरने में असमर्थ रही कमल हसन की विवादग्रस्त फिल्म हे राम में भी खान ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें समीक्षकों ने सराहा हालांकि ये फिल्म भी असफल श्रेणी में रही शेहरुख खान ने सन 2001 में खान के कारण जौहर के साथ अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम की एक एक पारिवारिक कहानी थी और जिसमें अन्य भी कई सितारे थे ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म की सूची में थी उन्होंने अपनी फिल्म अशोका जो कि ऐतिहासिक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित थी के लिए प्रशंसाएं मिली लेकिन यह यह फिल्म ये फिल्म भी नाकामयाब रही सन 2002 में शहरुख खान ने संजय लीला भंसाली की दुखांत प्रेम कथा देवदास में मुख्य भूमिका अदा की जिसके लिए उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था यह चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित तीसरी हिंदी फिल्म थी अगली साल खान ने दो फिल्में रिलीज हुई चलते चलते और कहो ना हो चलते चलते एक औसत हिट साबित हुई थी लेकिन कल हो ना हो जो कि करण जौहर की तीसरी फिल्म थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में ही हिंदी बाजारों में काफ़ी कामयाब रही हैं इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक दिल के मरीज का किरदार निभाया जो मरने से पहले अपनी चारों और सुर्खियां फैलाने वाला और इस अदाकारी के लिए उन्हें सराहा भी गया था 2004 में शाहरुख खान के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा इस साल उनकी पहली फिल्म थी फराह खान निर्देशित मैं हूँ ना जो शाहरुख खान द्वारा सहनिर्मित भी थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट सिद्ध हुई थी और उनकी अगली फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा वीर जारा जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी जिसमें से शाहरुख खान ने अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड्स और बहुत प्रशंसाएं मिली उनकी तीसरी फिल्म की आशुतोष गवारीकर निर्देशी स्वदेश को जो दर्शकों को सिनेमाई घरों में लाने में तो सफल ना हो सकी लेकिन उसमें शाहरुख खान ने भारत एक प्रवासी भारतीय की भूमिका को सराहा और खान ने अपना छठवां फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 2005 में उनकी एकमात्र फिल्म पहेली जो कि अनमोल पहलकर द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी हालांकि उसमें खान ने अभिनय को सराहा गया दो में शाहरुख खान एक बार फिर करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा न कहना में दिखाई दिए थे और एक अति नाटकीय फिल्म थी इस फिल्म में भारत तो सफलता प्राप्त की ही साथ ही साथ ये विदेशों में भी सफलताएं प्राप्त की और उसी वर्ष शाहरुख खान ने 1978 की हिट फिल्म डान की रीमेक डान में भी अभिनय किया जो एक बड़ी हिट सिद्धि हुई थी 2007 में शाहरुख खान ने दो फिल्में आई चक द इंडिया और ओम शांति ओम द इंडिया में शाहरुख खान ने महिला हॉकी टीम के कोच के किरदार में नजर आए थे जिनका लक्ष्य भारत को विश्व कप दिलाना था इस किरदार के लिए खान को समीक्षकों से तो खास प्रशंसाएं मिली ही साथ ही साथ ये फिल्म एक विशाल हिट सिद्ध हुई थी और 2007 की दूसरी फिल्म ओम शांति ओम में भी नजर आए और ये फराह खान की शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म थी इसमें शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई पहला किरदार ओम एक जूनियर कलाकार और एक हादसे में मारा जाता है और दूसरा एक नामी अभिनेता ओम कपूर है यह फिल्म भी 2007 की एक सफल फिल्म थी शाहरुख खान ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत 1988 में लेक टंडन के टेलीविजन धारावाहिक दरिया से आरंभ किया था लेकिन निर्माण में देरी के कारण उन्नीस नवासी का टीवी धारावाहिक फौजी उनका पहला धारावाहिक रहा था वर्ष उन्नीस में उनकी लगातार चार फिल्में रिलीज हुई जो दीवाना दिल आशाना चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन हैं शाहरुख खान का जीवन परिचय बहुत ही अच्छा रहा लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थी तो उन्होंने शुरुआत में काजोल को अपनी भूमिका की पेशकश की लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया तो इसीलिए करिश्मा कपूर को लिया गया था तो इस फिल्म के निर्देशक हैं कृष्ण वामसी जी और इस फिल्म के निर्माता हैं श्रीदेवी इसके लेखक हैं कमल पांडे और इस फिल्म के अभिनेता हैं करिश्मा कपूर नाना पाटेकर संजीव कपूर शाहरुख खान हैं और इस फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने और यह मूवी 20 सितंबर 2002 को भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी तो टूफेंस इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं शेखर यानी कि संजय कपूर और नंदरी यानी कि करिश्मा कपूर कनाडा में रहने वाले एक भारतीय जोड़े हैं वो अपने छोटे बेटी राजा के साथ रहते हैं जहां शेखर भारत में हिंसा की खबर सुनता है और अपने परिवार के घर जाता है जो कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में है नंदनी यह देखकर चौंक जाती है कि शेखर का परिवार गहराई से पितृसत्तात्मक है और शेखर के पिता नरसिम्हा नाना पाटेकर की अगुवाई में सम्मति गिरोह युद्धों में उलझा हुआ है शेखर इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो मारा जाता है नंदनी जो अचानक एक विधवा बन जाती है और अपने बेटे के साथ भारत छोड़ने का फैसला करती है लेकिन नरसिम्हा इस बात की अनुमति नहीं देता कि उन्हें वास्तव में कैद करता है और भागने के लिए वेताब शिखर की माँ और बहन ही उसके सहयोगी हैं नंदिनी जय सिंह यानी कि शाहरुख खान से मदद मांगती है जो हिचकिचाहट के बाद जयपुर को ट्रेन में उसे बिठा देता है जय नरसिम्हा के आदमियों के साथ लड़ाई में संलग्न होता है और सफलतापूर्वक नंदिनी और राजा की रक्षा करता है लेकिन वो मर जाता है शेखर की माँ भावात्मक रूप से नरसिम्हा से नंदिनी और उसके बेटे को जाने देने की मांग करती है लेकिन वो नहीं मानता हवाई अड्डे पर नरसिम्हा अपने पोते से बातचीत करने के बाद भवाना से अभिभूत हो जाता है और नंदिनी और राजा को शांतिपूर्वक छोड़कर कनाडा वापस जाने की अनुमति देता है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो करिश्मा कपूर नंदिनी जी के रोल में है नाना पाटेकर नरसिम्हा नंदिनी के ससुर के रूप में हैं, और संजय कपूर शेखर के रूप में हैं शाहरुख खान जय सिंह के रूप में हैं और दीप्ति नवल शेखर की मां के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं विजय वीजा के रूप में हैं टीकू तलसानिया नंदनी के रूप में है जसपाल भट्टी नंदिनी के रूप में है दिव्या दत्ता हैं चंद्रकांत गोखले हैं प्रकाश राज हैं रितु शिवपुरी और कमली शेखर की बहन है अनुपम श्याम हैं ईश्वर्या राय है। इश्क कमीना में है इस फिल्म में कुल दस गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक ये चाँद मेरे दिल के इसको गाया है इस्माइल दरबार और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने नंबर दो दिल ने पुकारा है इसको इस्माइल दरबार और अलका याग्निक और अदनान स्वामी जी ने गाया है नंबर तीन बाजी इसको इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है नंबर चार हम तुम महबूब से मिले इसको गाया है कविता कृष्ण मूर्ति ने नंबर पाँच हम तुम मिले इसको इस्माइल दरबार और अदनान शामी ने गाया है नंबर छः इश्क कमीना इसको समीर और अनुमलिक और अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है नंबर सात झूमती घटा में इसको गाया है नवीन कुमार ने नंबर आठ झूमती घटा में इसको इस्माइल दरबार और मोहम्मद सलामत ने गाया है नंबर नौ मेरे मुन्ने राजा इस्माइल दरबार और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है शक्ति फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण वापसी जी ने तो कृष्ण वामसी जी भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और कोरियोग्राफर हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वामसी ने अपना करियर रामगोपाल वर्मा की सहायक निर्देशक के रूप में शुरू किया था उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस की अवराध फिल्म गुलाबी से की जिसमें जे डी चक्रवर्ती ने अभिनय किया था उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और तीन फ्ले फिल्म पुरस्कार और चार नंदी पुरस्कार मिले थे इनका जन्म पशुपुलेटी बंगराजू का हुआ था 28 जुलाई उन्नीस को आंध्र प्रदेश भारत में इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता और पठक कथा लेखक और कोरियोग्राफर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इन्होंने उन्नीस सौ छियानबे में उन्होंने फिल्म पेल्ला दाता का निर्देशन किया और जो उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक थी बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस आंध्र टाकज के तहत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आबराध फिल्म सिंधुरम का निर्देशन किया जो दोनों फिल्मों में तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और दो दो में उन्होंने शक्ति द पावर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा जो उनके अपने उन्नीस के तेलुगु पंथ क्लासिक पुरम की रीमेक थी उन्होंने वामसी ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन से शादी की है राम्या कृष्णन ने अपनी दो फिल्मों में अभिनय किया शादी से पहले श्री अंजनयम अतिथि भूमिका में थी और चंद्रलेखा कृष्ण वामसी की सीताराम शास्त्री का प्रशंसक माना जाता है और उन्हें जिन फिल्मों के लिए सीताराम शास्त्री ने गीत लिखे जो कृष्ण द्वारा निर्देशित हैं जिसमें से नीले पेला दत्था गुलाबी सिंधुराम चंद्रलेखा मुरारी खड़गम चक्रम महात्मा और पैसा शामिल है श्रीवेला सीताराम शास्त्री ने कृष्ण वामसी को कानूनी रूप से भारत सरकार राजपत के राजपथ के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक हिंदू पद्धति से अपनाया था शक्ति फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के हाथों हुआ था तो इनका जन्म तेरह अगस्त उन्नीस को 24 फरवरी 2018 हजार अट्ठारह जिन्हें पेशेवर रूप से उनके मंच नाम श्रीदेवी के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम और कन्नड़ की भाषाओं में फिल्मों में काम किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में उद्धत हुई थी वो राष्ट्रीय पुरस्कार 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 नंदी तमिलनाडु राज्य विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता थी केरल राज्य फिल्म पुरस्कार चार फिल्मफेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का करियर पचास साल से अधिक समय तक इसलैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में फैला रहा था वो अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी लेकिन स्क्रीन पर हटी और मुखर व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिकृक्त महिलाओं की भूमिका निभा रही थी उन्होंने 2013 में श्रीदेवी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें ए में सौ साल में भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में भी चुना जा चुका है सी एन एन आई वी एन राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो में भारतीय सिनेमा की के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था इनका जन्म अम्मा यंगर अपन तेरह अगस्त उन्नीस को मीनमपट्टी मद्रास राज्य भारत में हुआ था इनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को चौवन वर्ष की उम्र में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो गई थी इनका व्यवसाय अभिनेत्री थी इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से और 2018 तक इनके पति का नाम है बोनी कपूर इनकी संतान दो जानवी कपूर और श्रीदेवी ने चार साल की उम्र में उन्नीस की तमिल फिल्म कंधन करुणई में एक बच्ची के रूप में अपनी शुरुआत की और एम ए थिरुमुगम की उन्नीस की पौराणिक तमिल फिल्म रोल को निभाया था वो अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक किशोर बिंगव के रूप में अपनी पहली भूमिका उन्नीस में तेरह साल की उम्र में आई जब उन्हें तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में कौष्ट किया गया था उन्होंने जल्दी ही खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है और सोला वाथिनाइल में भूमिकाओं के साथ 1977 में थुलावर्सम उन्नीस और अंगीकारम 1977 और सिगप्पू रोजकल 1978 और पहाड़ हेरेला वायसू उन्नीस और बेतागाड़ू उन्नीस और वारुमाइन नीरम शिवपुम उन्नीस और मीनुम कोकिला उन्नीस और प्रेमा उन्नीस सौ और 1982, और में मायम उन्नीस और मंदु राम पिराई उन्नीस आखिरी पोराथम उन्नीस सौ अट्ठासी जगदेका बिरदु आतीलोक सुंदरी उन्नीस और छड़ च़ड़, छड़म उन्नीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अभिनित भूमिका ड्रामा फिल्म सोलह सावन उन्नीस के साथ आई और उन्हें एक्शन फिल्म हिम्मतवाला वाला 1983 के लिए व्यापक पहचान मिली थी उन्होंने मावली उन्नीस जस्टिस चौधरी उन्नीस तोहफा उन्नीस और नया कदम उन्नीस मकसूद उन्नीस मास्टर जी उन्नीस सौ कर्मा उन्नीस सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया था नजराना उन्नीस वतन के रखवाली उन्नीस मिस्टर इंडिया उन्नीस वक्त की आवाज़ उन्नीस और चांदनी उन्नीस सदमा उन्नीस नगीना उन्नीस चालवास उन्नीस लम्हे उन्नीस में खुदा गवाह उन्नीस में गोमरा उन्नीस में लाडला उन्नीस में और जुदाई उन्नीस सहित फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रशंसाएं मिली हैं और उन्नीस में टेलीविजन सिट अयर दो अय्यर चार और 5 में टाइटेनिक नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश दो हजार के साथ फिल्म में अभिनय की वापसी की और वैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी अपनी तीन सौ ही और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया था मां दो उन्होंने दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं अर्जित की हैं और बाद के लिए उन्हें मरोोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चौबीस फरवरी दो को वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जुमेराह अमीरात टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी जिनसे उनके अभिनेत्री जानवी कपूर सहित दो बच्चे हुए हैं शक्ति फिल्म में संजी कपूर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो वह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वह हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब श्रृंखला में काम करते हैं वे सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं और कपूर संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं इनका जन्म सत्रह अक्टूबर 1965 को बाम्बे महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इनकी पत्नी का नाम है महीप संधू और इनके दो संदाने हैं तो कपूर जी का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर से हुआ था उनके तीन बड़े भाई बहन बोनी कपूर अनिल कपूर और रीना मारवा ही अभिनेता सूनम कपूर अर्जुन कपूर जानवी कपूर मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर उनके भतीजे और भतीजी हैं पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस से नवोंदुक ताबुक के साथ फिल्म प्रेम से हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की हालांकि उन्होंने नवोदित कलाकारों से काफी अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म में उनके कई वर्षों की देरी हुई क्योंकि यह उन्नीस में निर्माण में थी रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर लिया था और कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा उन्नीस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उन्होंने औजार उन्नीस में मोहम्मद उन्नीस में और सिर्फ तुम उन्नीस जैसी मुख्य अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है मामूली सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा 2000 की मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं 2002 में वो कोई मेरे दिल में पूछे में ईसा देवल के मानसिक पति की भूमिका निभाने वाले खलनायक के रूप में दिखाई दिए थे उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसाएं की उन्होंने कयामत सिटी अंडर थ्रेट 2003 और जूली 2004 में लक बॉय चांस 2009 और शानदार 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू की थी उन्होंने 2015 में रिलीज होने वाले अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनित अपने पहले प्रोडक्शन तेवर के तहत फिल्म निर्माण की और रुख किया उन्होंने मुबारक 2017 में पहली बार अपने भाई अनिल कपूर के साथ एक कैमियो की भूमिका निभाई थी उन्होंने 2018 की शुरुआत में संजय कपूर को एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में अभिनेत्री मनीषा के साथ मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था उसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनू कपूर ने ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण में कॉस्ट किया था और 2020 में वो अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्पीलिंग पार्टनर में नज़र आई थी उन्होंने 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डिस्टिनरी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और 2017 में उन्हें विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा में स्मृति कलारा के साथ कॉस्ट किया गया था और यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और वह कैसे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक कि उन्होंने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज सोगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका निभाई थी उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में दिया गया था और 2020 में वो राजीव गुजराल के रूप में द गन गेम में दिखाई दिए थे वो फिर 2021 में द लास्ट लावर में डीसीपी सी पी आरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए और 2002 में माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स वेब शो द फेम गेम में निखिल मोरे के रूप में दिखाई दिए थे उन्होंने उन्नीस में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप संधू से शादी की है और इस जोड़े के दो बच्चे हैं सायना और जहान कपूर उनकी बेटी सायना शशांक खेतान द्वारा निर्देशित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार शक्ति फिल्म में करिश्मा कपूर जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वो प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं इनका जन्म 25 जून उन्नीस को मुंबई में हुआ था इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्धी और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है इनका जन्म करिश्मा कपूर जी का जन्म पच्चीस जून उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेत्री है। हैं इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत उन्नीस सौ इक्यानवे से दो हजार तीन और दो हजार आठ से वर्तमान तक धार्मिक मान्यताएं हिंदू और जीवन संगनी संजय कपूर करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर ख़ानदान से संबंधित रखती हैं और हम उन्हें लोलो के नाम से भी जानते हैं उन्होंने अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष उन्नीस में आई फिल्म प्रेम कैदी से की थी करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं लाजवाब अभिनय और बेहतर नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं और अपने फिल्मी करियर के दौरान करिश्मा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार और चार फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किए हैं इन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार राजा हिंदुस्तानी के लिए प्राप्त किया और उन्नीस सौ अट्ठानबे में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्राप्त किया था 1998 में राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार दिल तो पागल है के लिए प्राप्त किया और 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए प्राप्त किया था और 2002 में फिल्म फेयर आलोचकों का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जुबैदा प्राप्त किया था शक्ति फिल्म में नाना पाटेकर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया और दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएँ की हैं तो इनका नाम विश्वनाथ नाना पाटेकर नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म 1 जनवरी उन्नीस को हिंदी फिल्म एवं मराठी फिल्मों के एक अभिनेता हैं इनका जन्म विश्वनाथ पाटेकर मुरुज जंजीरा बांबे राज्य भारत में हुआ था इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनकी राष्ट्रीयता भारती है इनका व्यवसायी अभिनेता और लेखक हैं इनकी जीवन संगनी हैं नीलकान्ति पाटेकर और इनके बच्चे हैं मल्लार पाटेकर और इनके माता पिता दिनकर पाटेकर और संजना बाई पाटेकर हैं इन्हें पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से 2013 में तो नाना पाटेकर भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं और वह लेखक और फिल्म निर्माता भी हैं नाना पाटेकर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता माने जाते हैं उनके अभिनय की सफल कायल और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है वो इंडस्ट्री ऑफ डायलॉग के बोलने की स्टाइल को लेकर काफ़ी मशहूर हैं उनके आवेनिक की दीवाने आपको हर आयु और वर्ग के लोग मिल जाएंगे नाना पाटेकर का जन्म मुरुंडू जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था उनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माँ का नाम संजनाबाई पाटेकर है इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नाना की पढ़ाई जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई से की थी नाना पाटेकर की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई है लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था उनका एक लड़का भी है जिसका नाम मल्हार है और आइए जानते हैं इनके फिल्मी करियर के बारे में नाना पाटेकर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म गमन से की हुई थी लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें फिल्म परिंदा से नोटिस किया गया था जिसमें उनके खलनायक की भूमिका अदा की गई थी इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सबसे सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और सबसे सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था इसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया है और अपने अभिनय का लोहा है क्रांतिवीर खामोशी यशवंत अब तक छप्पन अपरहैंड वेलकम राजनीति उनकी प्रमुख फिल्मों में से एक है शक्ति फिल्में शाहरुख खान ने अपने रोल को सहायक की भूमिकाओं के लिए निभाया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफी पसंद आया था तो उन्होंने अपना रोल करिश्मा कपूर के साथ निभाया है इनका जन्म 2 नवंबर 1965 जिन्हें अक्सर शाहरुख खान के रूप में श्रेय दिया जाता है और अनौपचारिक रूप से एस आर के नाम से भी संदर्भित किया जाता है वह एक भारतीय फिल्म अभिनेता और अक्सर मीडिया में इन्हें बॉलीवुड का बादशाह और किंग कोबरा खान रोमांस किंग और किंग ऑफ बॉलीवुड नामों से भी पुकारा जाता है शेरुख खान ने रोमांटिक नाटकों से लेकर एक्शन थ्रिलर जैसी जेसी में बहत्तर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए उन्होंने तीस नामांकनों से चौदह फेयर पुरस्कार जीते हैं वह और दिलीप कुमार की ही एक ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आठ बार जीता है और 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया था और 2020 में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता माने जाते हैं इनका आवास मुंबई महाराष्ट्र भारत में है और इनका व्यवसाय अभिनेता निर्माता टेलीविजन मेजबान है इनका कार्यकाल उन्नीस सौ अब तक और जीवन संग्नी है गौरी खान इनके तीन बच्चे हैं तो अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में वो कई टेलीविजन धारावाहिकों की से और उन्नीस में व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार प्रदान किया था। इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की हैं, जिसमें डर उन्नीस बाजीगर वाजीगर उन्नीस और अंजाम उन्नीस शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखाई दिए हो भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिनमें से रोमांस फिल्में हास्य फिल्में, खेल फिल्में वे ऐतिहासिक ड्रामा शामी अर्थशास्त्र में उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1980 में रंगमंचों में कई टेलीविजन धारावाहिकों से की है और उन्नीस में व्यावसायिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना में फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर और अभिनय पुरस्कार प्रदान किया गया था इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की है जिसमें डर उन्नीस सौ तिरानवे बाजीगर उन्नीस सौ तिरानवे और अंजाम उन्नीस सौ चौरानवे शामिल है वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे व भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में कार्य किया जिसमें से रोमांस फिल्मे, हास फिल्मे, फिल्में हास्य फिल्में खेल फिल्में व ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में शामिल हैं वेल्थ रिसर्च फार्म वेल्थ एक्स के मुताबिक किंग खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता बन गए हैं फर्म ने अभिनेता की कुल संपत्ति छत्तीस सौ साठ करोड़ रुपए आंकी थी लेकिन अब पाँच हज़ार करोड़ बताई जा रही है तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में शाहरुख खान के माता पिता पठान मूल के थे उनके पिता ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनकी मां लतीफ फातिमा मेजर जनरल शहनवाज खान की पुत्री थी खान के पिता हिंदुस्तान के विभाजन से पहले पेशावर के किस्सा कहानी बाजार से दिल्ली आए थे हालांकि उनकी मां रावलपिंडी में आई थी और खान की खान की एक बहन भी है जिसका नाम शहनवाज लाला रुख है जिन्हें प्यार से लाला रुख बुलाते हैं और खान ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलम्बा स्कूल से की जहाँ वो क्रीडा क्षेत्र शैक्षिक जीवन और नाटक की कला में निपुण थी स्कूल की तरफ से उन्हें स्कॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था जो प्रत्येक वर्ष सबसे काबिल और होनहार विद्यार्थी ओम खिलाड़ी को दिया जाता था इसके उपरांत उन्होंने हंसराज कॉलेज से, के डिग्री ओम या इस्लामी या इस्लामी या से की में दिल्ली से मुंबई आ गए थे और 1991 में उनका विवाह गौरी खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था उनकी तीन संतानी एक पुत्र आर्यन और दूसरा सुहाना और तीसरा पुत्र अब्राहम है शाहरुख खान ने अपने अभिनय की शिक्षा प्रसिद्ध रंगमंच निर्देश वेरी जान से दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप में ली थी वर्ष 2007 में जान ने अपने पुराने शिष्य के बारे में कहा है कि शाहरुख के करियर के की असाधारण सफलता का सारा श्रेय उसको ही जाता है शाहरुख खान ने अपना करियर 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से प्रारंभ किया जिसमें से उन्होंने कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार अदा किया था उसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अपने अभिनय किया था जिसमें प्रमुख था उन्नीस से लेकर उन्नीस का सर्कस जिसमें सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया था जो अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित उस वर्ष की अथुरंती राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फ़िल्म इन बिच एनी गिल्ड्स इन वंश में एक छोटा किरदार निभाया था ये फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी और अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्नीस में शहरुख खान ने नई दिल्ली से मुंबई आ गए और बॉलीवुड में उनका प्रथम अभिनय दीवाना फिल्म से हुआ जो बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित हुआ था और इस फिल्म के लिए उन्हें फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रथम अभिनय का अवार्ड मिला था उनकी अगली फिल्म थी दिल आशियाना जो नहीं चली और उन्नीस की हिट फिल्म बाजीगर में एक हत्यारे का किरदार निभाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और उस वर्ष फिल्म डर में इसके जुनून में पागल आशिक का किरदार अदा करने के लिए उन्हें सराहा गया था इस वर्ष फिल्म में कभी हाँ कभी ना के लिए उन्हें फिल्मफेयर समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्नीस में खान ने फिल्म अंजाम में एक बार फिर जुनूनी एवं मानोरोगी आशिकी की भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी दिया गया था उन्नीस पंचानबे में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई थी ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती थी मुंबई के कुछ सिनेमाई घरों में यह बारह सालों से चली आ रही है इस फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिल, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है और उन्नीस उनके लिए एक निराशजनक साल रहा क्योंकि उसमें उनकी सारी फिल्में असफल रहीं और उन्नीस में उन्होंने यशराज चोपड़ा की दिल तो पागल है सुभाष घई की परदेश और अजीज मिर्जा की एस बॉस जैसी फिल्मों के साथ सफलताएं के क्षेत्र में फिर कदम रखा है वर्ष उन्नीस के कारण जौहर की बतौर निर्देशक पहली फिल्म कुछ कुछ होता है उस साल की सबसे बड़ी हिट घोषित हुई थी और खान की चौथी बार फिल्म फेयर सबसे अभिनेता का पुरस्कार हासिल हुआ था इसी साल उन्हें मणि रत्नम की फिल्म दिल से अपने अभिनय के लिए फिल्म समीक्षकों से काफ़ी तारीफ मिली और ये फिल्म भारत के बाहर काफ़ी सफल रही थी अगला वर्ष उनके लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा क्योंकि उनकी एकमात्र फिल्म बादशाह का प्रदर्शन इस स्मरणीय नहीं रहा और वो औसत व्यापार ही कर पाई थी सन 2000 में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में उनके किरदार को समीक्षकों से बहुत प्रशंसाएं मिली और इस फिल्म के लिए उन्हें अपना दूसरा फिल्म फेयर समीक्षा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था उस ही साल उनकी फिल्म जोश भी हिट हुई थी उस वर्ष खान जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ फिर मिलकर खुद की फिल्म निर्माण कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी की पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ने अभिनय किया बॉक्स ऑफिस पर जादू बिखेरने में असमर्थ रही कमल हसन की विवादग्रस्त फिल्म ही राम में भी खान ने एक सहयोगी की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें ने सराहा हालांकि ये फिल्म भी असफल श्रेणी में रही शाहरुख खान ने सन 2001 में खान के कारण जौहर के साथ अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम की एक एक पारिवारिक कहानी थी और जिसमें अन्य भी कई सितारे थे ये फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्म की सूची में थी उन्होंने अपनी फिल्म अशोका जो कि ऐतिहासिक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित थी के लिए प्रशंसाएं मिली लेकिन यह फिल्म भी नाकामयाब ना रही सन 2002 में शहरुख खान ने संजय लीला भंसाली की दुखांत प्रेम कथा देवदास में मुख्य भूमिका अदा की जिसके लिए उन्हें एक बार फिर फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था यह चंद चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित तीसरी हिंदी फिल्म थी अगली साल खान ने दो फिल्में रिलीज हुई चलते चलते और कहो ना हो चलते चलते एक औसत हिट साबित हुई थी लेकिन कल हो ना हो जो कि करण जौहर की तीसरी फिल्म थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में ही हिंदी बाजारों में काफ़ी कामयाब रही हैं इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक दिल के मरीज का किरदार निभाया जो मरने से पहले अपनी चारों और सुर्खियाँ फैलाने वाला और इस अदाकारी के लिए उन्हें सराहा भी गया था 2004 में शाहरुख खान के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा इस साल उनकी पहली फिल्म थी फराह खान निर्देशित मई ना जो शाहरुख खान द्वारा सहनिर्मित भी थी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट सिद्ध हुई थी और उनकी अगली फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा वीर जारा जो उस साल की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी जिसमें से शाहरुख खान ने अपने अभिनय के लिए कई अवार्ड्स और बहुत प्रशंसाएं मिली उनकी तीसरी फिल्म की आशुतोष गवारीकर निर्देशित स्वदेश को जो दर्शकों को सिनेमाई घरों में लाने में तो सफल ना हो सकी लेकिन उसमें शाहरुख खान ने भारत एक प्रवासी भारतीय की भूमिका को सराहा और खान ने अपना छठवां फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 2005 में उनकी एकमात्र फिल्म पहली जो कि अनमोल पहलकर द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी हालांकि उसमें खान ने अभिनय को सराहा गया दो में शाहरुख खान एक बार फिर करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा न कहना में दिखाई दिए थे और एक अति नाटकीय फिल्म थी इस फिल्म में भारत तो सफलता प्राप्त की ही साथ ही साथ ये विदेशों में भी सफलताएं प्राप्त की और उसी वर्ष शाहरुख खान ने 1978 की हिट फिल्म डान की रीमेक डान में भी अभिनय किया जो एक बड़ी हिट सिद्धि हुई थी 2007 में शाहरुख खान ने दो फिल्में आई चक द इंडिया और ओम शांति ओम चक द इंडिया में शाहरुख खान ने महिला हॉकी टीम के कोच के किरदार में नजर आए थे जिनका लक्ष्य भारत को विश्व कप दिलाना था इस किरदार के लिए खान को समीक्षकों से तो खास प्रशंसाएं मिली ही साथ ही साथ ये फिल्म एक विशाल हिट सिद्ध हुई थी और 2007 की दूसरी फिल्म ओम शांति ओम में भी नज़र आए और ये फराह खान की शाहरुख खान के साथ दूसरी फिल्म थी इसमें शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई पहला किरदार ओम एक जूनियर कलाकार और एक हादसे में मारा जाता है और दूसरा एक नामी अभिनेता ओम कपूर है यह फिल्म भी 2007 की एक सफल फिल्म थी शाहरुख खान ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत 1988 में लेक टंडन के टेलीविजन धारावाहिक दरिया से आरंभ किया था लेकिन निर्माण में देरी के कारण उन्नीस नवासी का धारावाहिक फौजी उनका पहला धारावाहिक रहा था वर्ष उन्नीस में उनकी लगातार चार फिल्में रिलीज हुई जो दीवाना दिल चमत्कार और राजू बन जेंटलमैन है शाहरुख खान का जीवन परिचय बहुत ही अच्छा रहा लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती थी तो उन्होंने शुरुआत में काजोल को अपनी भूमिका की पेशकश की लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया तो इसीलिए करिश्मा कपूर को लिया गया था तो फैज इस फिल्म के निर्देशक कृष्ण वामसी जी और इस फिल्म के निर्माता हैं श्रीदेवी इसके लेखक हैं कमल पांडे और इस फिल्म के अभिनेता हैं करिश्मा कपूर नाना पाटेकर संजय कपूर शाहरुख खान हैं और इस फिल्म में संगीत दिया है इस्माइल दरबार ने और यह मूवी 20 सितंबर 2002 को भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं शेखर यानी कि संजय कपूर और नंदरी यानी कि करिश्मा कपूर कनाडा में रहने वाले एक भारतीय जोड़े हैं वो अपने छोटे बेटी राजा के साथ रहते हैं जहां शेखर भारत में हिंसा की खबर सुनता है और अपने परिवार के घर जाता है जो कि राजस्थान के ग्रामीण इलाके में है नंदनी यह देखकर चौंक जाती है कि शेखर का परिवार गहराई से पितृसत्तात्मक है और शेखर के पिता नरसिम्हा नाना पाटेकर की अगुवाई में सम्मति गिरोह युद्धों में उलझा हुआ है शेखर इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा उस पर हमला किया जाता है और वो मारा जाता है नंदिनी जो अचानक एक विधवा बन जाती है और अपने बेटे के साथ भारत छोड़ने का फैसला करती है लेकिन नरसिम्हा इस बात की अनुमति नहीं देता कि उन्हें वास्तव में कैद करता है और भागने के लिए वेताब शिखर की माँ और बहन ही उसके सहयोगी हैं नंदिनी जय सिंह यानी कि शाहरुख खान से मदद मांगती है जो हिचकिचाहट के बाद जयपुर को ट्रेन में उसे बिठा देता है जय नरसिम्हा के आदमियों के साथ लड़ाई में संलग्न होता है और सफलतापूर्वक नंदिनी और राजा की रक्षा करता है लेकिन वो मर जाता है। शेखर की माँ भावात्मक रूप से नरसिम्हा से नंदिनी और उसके बेटे को जाने देने की मांग करती है लेकिन वो नहीं मानता हवाई अड्डे पर नरसिम्हा अपने पोते से बातचीत करने के बाद भवाना से अभिभूत हो जाता है और नंदिनी और राजा को शांतिपूर्वक छोड़कर कनाडा वापस जाने की अनुमति देता है तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो करिश्मा कपूर नंदनी जी के रोल में हैं नाना पाटेकर नरसिम्हा नंदिनी के ससुर के रूप में हैं और संजय कपूर शेखर के रूप में हैं शाहरुख खान जय सिंह के रूप में हैं और दीप्ति नवल शेखर की मां के रूप में अपने रोल को निभा रही हैं विजय राज वीजा के रूप में हैं टीकू तलसानिया नंदिनी के रूप में हैं जसपाल भट्टी नंदिनी के रूप में हैं दिव्या दत्ता हैं चंद्रकांत गोखले हैं प्रकाश राज हैं रितु शिवपुरी और कमली शेखर की बहन हैं अनुपम श्याम हैं ईश्वर्या राय इश्क कमीना में हैं इस फिल्म में कुल दस गाने हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर एक ये चांद मेरे दिल के इसको गाया है इस्माइल दरबार और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने नंबर दो दिल ने पुकारा है इसको इस्माइल दरबार और अलका याग्निक और अदनान शामी जी ने गाया है नंबर तीन बाजी इसको इस्माइल दरबार और सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया है नंबर चार हम तुम महबूब से मिले इसको गाया है कविता कृष्ण मूर्ति ने नंबर पाँच हम तुम मिले इसको इस्माइल दरबार और अदनान शामी ने गाया है नंबर छः इश्क कमीना इसको समीर और अनुमलिक और अलका याग्निक और सोनू निगम ने गाया है नंबर सात झूमती घटा में इसको गाया है नवीन कुमार ने नंबर आठ झूमती घटामी इसको इस्माइल दरबार और मोहम्मद सलामत ने गाया है नंबर नौ मेरे मुन्ने राजा इस्माइल दरबार और अनुराधा पौडवाल जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है शक्ति फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण वापसी जी ने तो कृष्ण वामसी जी भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता और कोरियोग्राफर हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वामसी ने अपना करियर रामगोपाल वर्मा की सहायक निर्देशक के रूप में शुरू किया था उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत उन्नीस की अवराध फिल्म गुलाबी से की जिसमें जे डी चक्रवर्ती ने अभिनय किया था उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार और तीन प्ले फिल्म पुरस्कार और चार नंदी पुरस्कार मिले थे इनका जन्म पशुपुलेटी बंगराजू का हुआ था 28 जुलाई उन्नीस को आंध्र प्रदेश भारत में इनका व्यवसाय फिल्म निर्देशक फिल्म निर्माता और पठक कथा लेखक और कोरियोग्राफर हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक उन्नीस फिल्म तेलुगु फिल्मों में, से एक थी। बाद में उन्होंने तहत समीक्षकों द्वारा प्रशंसित आबराध फिल्म सिंधुरम का निर्देशन किया जो दोनों फिल्मों में तेलुगु में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था और दो दो में उन्होंने शक्ति द पावर के साथ बॉलीवुड में कदम रखा जो उनके अपने उन्नीस के तेलुगु पंथ क्लासिक आहंतम पुरम की रीमेक थी उन्होंने कृष्ण वामसी ने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन से शादी की है राम्या कृष्णन ने अपनी दो फिल्मों में अभिनय किया शादी से पहले श्री अंजनयम अतिथि भूमिका में थी और चंद्रलेखा कृष्ण वामसी की सीताराम शास्त्री का प्रशंसक माना जाता है और उन्हें जिन फिल्मों के लिए सीताराम शास्त्री ने गीत लिखे जो कृष्ण वामसी द्वारा निर्देशित हैं जिसमें से नीले पेला दत्था गुलाबी सिंधुराम चंद्रलेखा मुरारी खडगम चक्रम महात्मा और पैसा शामिल है श्रीलवेला सीताराम शास्त्री ने कृष्ण वामसी को कानूनी रूप से भारत सरकार के राजपथ के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक हिंदू पद्धति से अपनाया था शक्ति फिल्म का निर्माण श्रीदेवी के हाथों हुआ था तो इनका जन्म तेरह अगस्त उन्नीस को 24 फरवरी 2018 हज़ार अठारह जिन्हें पेशेवर रूप से उनके ाम श्रीदेवी के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने तेलुगु तमिल हिंदी मलयालम और कन्नड़ की भाषाओं में फिल्मों में काम किया था भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपर स्टार के रूप में उद्धत हुई थी वो राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार नंदी पुरस्कार तमिलनाडु राज्य पुरस्कार सहित विभिन्न विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता थी केरल राज्य फिल्म पुरस्कार चार फिल्म फेयर पुरस्कार और एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और तीन फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सहित भारतीय सिनेमा में श्रीदेवी का करियर 50 साल से अधिक समय तक इसलैपस्टिक कॉमेडी से लेकर एपिक ड्रामा तक विभिन्न शैलियों में फैला रहा था वो अपने मितभाषी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी लेकिन स्क्रीन पर हटी और मुखर व्यक्तित्व नियमित रूप से मजबूत इरादों वाली परिकृक्त महिलाओं की भूमिका निभा रही थी उन्होंने दो में श्रीदेवी को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्हें में सौ साल में भारत की सबसे महान अभिनेत्रियों में भी चुना जा चुका है सी एन एन आई वी एन राष्ट्रीय सर्वेक्षण दो हज़ार तेरह में भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था इनका जन्म अम्मा यंगर अपन तेरह अगस्त उन्नीस सौ तिरसठ को मीनमपट्टी मद्रास राज्य भारत में हुआ था इनकी मृत्यु चौबीस फरवरी दो हजार अठारह को चौवन वर्ष की उम्र में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हो गई थी इनका व्यवसाय अभिनेत्री थी इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस सौ से और दो हजार अठारह तक इनके पति का नाम है बोनी कपूर इनकी संतान है दो जानवी कपूर और श्रीदेवी ने चार साल की उम्र में उन्नीस की तमिल फिल्म कंदन करुणई में एक बच्ची के रूप में अपनी शुरुआत की और एम ए थिरुमुगम की उन्नीस की पौराणिक तमिल फिल्म रोल को निभाया था वो अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत एक किशोर बेंगवक्स के रूप में अपनी पहली भूमिका उन्नीस में तेरह साल की उम्र में आई जब उन्हें तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में कौष्ट किया गया था उन्होंने जल्दी ही खुद को दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रमुख और प्रमुख महिला सितारों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है और सोला वाथिनाइल में भूमिकाओं के साथ 1977 में थुलावर्सम उन्नीस और अंगीकारम 1977 और सिगप्पू रोजकल 1978 और पहाड़ हेरेला वायुसु उन्नीस सौ अठहत्तर और बेतागाड़ू उन्नीस सौ उन्नासी और वारुमाइन शिवपुम उन्नीस सौ अस्सी और मीनुम कोकिला उन्नीस सौ इक्यासी और प्रेमा प्रेमाभिषेकम उन्नीस सौ इक्यासी और वाइजमे मायम उन्नीस सौ बयासी और राम पिराई उन्नीस सौ बयासी आखिरी पोराथम उन्नीस सौ अट्ठासी जगदेका बिर्दू आथिलोक सुंदरी उन्नीस सौ नब्बे और छड़ छड़म उन्नीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जूली 1975 में एक उल्लेखनीय उपस्थिति के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी की पहली अभिनित भूमिका ड्रामा फिल्म सोलह सावन उन्नीस सो के साथ आई और उन्हें एक्शन फिल्म हिम्मतवाला वाला के लिए व्यापक पहचान मिली थी उन्होंने मावली उन्नीस जस्टिस चौधरी उन्नीस तोहफा उन्नीस और नया कदम उन्नीस मकसूद उन्नीस मास्टर जी उन्नीस कर्मा उन्नीस सहित कई सफल फिल्मों के साथ उद्योग में खुद को स्थापित किया था नजराना उन्नीस वतन के रखवाले उन्नीस मिस्टर इंडिया उन्नीस वक्त की आवाज़ उन्नीस और चांदनी उन्नीस सदमा उन्नीस नगीना उन्नीस चालवास उन्नीस लम्हे उन्नीस में खुदा गवाह उन्नीस में गोमरा उन्नीस में लाडला उन्नीस में और जुदाई उन्नीस सौ सहित फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें उच्च प्रशंसाएं मिली हैं और उन्नीस में टेलीविजन सिट काम मालिनी अय्यर 2004 और 5 में टाइटेनिक नायक की भूमिका के बाद श्रीदेवी ने बेहद सफल कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश विंग्लिश दो हजार के साथ फिल्म में अभिनय की वापसी की और वैज्ञानिक थ्रिलर में अपनी अपनी तीन सौ ही और अंतिम फिल्म भूमिका में अभिनय किया था मां 2017 उन्होंने दोनों फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसाएं अर्जित की हैं और बाद के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चौबीस फरवरी दो को वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जुमेरा अमीरात टावर्स होटल में अपने अतिथि कक्ष में दुर्घटनावश डूबने से मृत पाई गई थी उनकी मृत्यु की खबर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से छपी उन्होंने फ़िल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की थी जिनसे उनके अभिनेत्री जानवी कपूर सहित दो बच्चे हुए हैं शक्ति फिल्म में संजीव कपूर ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो वह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं वह है हिंदी सिनेमा में भारतीय टेलीविजन और वेब श्रृंखला में काम करते हैं वे है सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं और कपूर संजय कपूर इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक भी हैं इनका जन्म 17 अक्टूबर 1965 को बाम्बी महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत उन्नीस से वर्तमान तक इनकी पत्नी का नाम है महीप संधू और इनके दो संदाने हैं तो कपूर जी का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था उनके तीन बड़े भाई बहन बोनी कपूर अनिल कपूर और रीना मारवा हैं अभिनेता सूनम कपूर अर्जुन कपूर जानवी कपूर मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर उनके भतीजे और भतीजी हैं पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत उन्नीस सौ पचानवे से नवंदुक के साथ फिल्म प्रेम से हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की हालांकि उन्होंने नवोदित कलाकारों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया फिल्म में उनके कई वर्षों की देरी हुई क्योंकि यह उन्नीस में निर्माण में थी रिलीज होने पर इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर लिया था और कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा उन्नीस की थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही उन्होंने औजार उन्नीस में मोहम्मद उन्नीस में और सिर्फ तुम उन्नीस जैसी मुख्य अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया है मामूली सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा 2000 की मुख्य अभिनेता के रूप में उन्हें ज़्यादा सफलताएं नहीं मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं दो में वो कोई मेरे दिल में पूछे में ईसा देवल के मानसिक पति की भूमिका निभाने वाले खलनायक के रूप में दिखाई दिए थे उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसाएं की उन्होंने क्यामत सिटी अंदर थ्रेट 2003 और जूली 2004 में लक बॉय चांस 2009 और शानदार 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू की थी उन्होंने 2015 में रिलीज होने वाले अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने पहले प्रोडक्शन तेवर के तहत फिल्म निर्माण की और रुख किया उन्होंने मुबारका दो में पहली बार अपने भाई अनिल कपूर के साथ एक कैमियों की भूमिका निभाई थी उन्होंने 2018 की शुरुआत में संजय कपूर को एंथोलॉजी फिल्म लास्ट स्टोरीज में अभिनेत्री मनीषा कोयराला के साथ मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था उसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनू कपूर ने ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण कास्ट किया था और 2020 में वो अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्पीलिंग पार्टनर में नजर आई थी उन्होंने 2003 में टेलीविजन धारावाहिक करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डिस्टिनरी में करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और 2017 में उन्हें विक्रम भट्ट के टेलीविजन धारावाहिक दिल संभल जा में स्मृति कलारा के साथ कॉस्ट किया गया था और यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में थी जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और वह कैसे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक कि उन्होंने आल्ट बालाजी की वेब सीरीज सोगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका निभाई थी उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में दिया गया था और 2020 में वो राजीव गुजराल के रूप में द गन गेम में दिखाई दिए थे वो फिर 2021 में द लास्ट लावर में डीसीपी सी आरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए और 2002 में माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स वेब शो द फेम गेम में निखिल मोरे के रूप में दिखाई दिए थे उन्होंने उन्नीस में अपनी लंबे समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप संधू से शादी की है और इस जोड़े के दो बच्चे हैं सयाना और जहान कपूर उनकी बेटी सयाना शशांक खेतान द्वारा निर्देशित धर्म प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से हैं तैयार शक्ति फिल्में करिश्मा कपूर जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो करिश्मा कपूर हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं वो प्रसिद्ध कपूर खानदान से हैं और करीना कपूर की बड़ी बहन हैं इनका जन्म पच्चीस जून उन्नीस सौ चौहत्तर को मुंबई में हुआ था इन्होंने बॉलीवुड की कई प्रसिद्धि और इनाम जीतने वाली फिल्मों में काम किया है इनका जन्म करिश्मा कपूर जी का जन्म पच्चीस जून उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ था इनका व्यवसाय अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत उन्नीस सौ इक्यानवे से 2003 और 2008 से वर्तमान तक धार्मिक मान्यताएं हिंदू और जीवन संगनी हैं संजय कपूर करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कपूर खानदान से संबंधित रख